कर लिया था पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन एसपीए वेबिनार प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है, आई एम अ स्पीकर, आई एम होस्ट एज वेल, डॉक्टर निदा अकबर राजपूत। आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसपीए सबखर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन अब्दुल बसीर साहब। अब्दुल बसीर हमारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और एसपीए के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये वेबिनार जो है वो अब्दुल बसीर ने ही अरेंज किया है। इसके साथ हमारे दूसरे टीम मेंबर्स भी हैं। हमारे गेस्ट आई थिंक लेफ्ट कर चुके हैं, हम उनके रिकनेक्ट होने का वेट करते हैं। हमारे साथ आज के वेबिनार के में कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ सीएमटी डॉक्टर दिलीप कुमार आएंगे, एंड डॉक्टर सायरा असलम मेरी बहुत अच्छी कुलीग, हमारी बहुत अच्छी सीनियर, बहुत अच्छी स्पीकर फ्रॉम लाहौर, हमें ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैं इंतज़ार करूँगी एसपी की टीम हमें ज्वाइन करे। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसपी की टीम की तरफ से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए फ्रॉम तो एसपीए में ऐड करती हूँ। वेलकम अब्दुल बसीर साहब अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो सर, आप कुछ एसपीए के बारे में बताना चाहेंगे? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अब्दुल बसीर अब्बासी, प्रेसिडेंट ऑफ एसपीए सखर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। बेसिकली आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर हिदायत इंस्टीट्यूट सखर। हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे एक एसोसिएशन बनाई है सखर की तरफ से, और ये हमारा फर्स्ट एवर, ये हमारा पहला वेबिनार है ऑनलाइन। तो इसमें हमारी टीम है 10 मेंबर्स हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजमेंट है, उनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में दे दूंगा, वो उनके कनेक्शन का थोड़ा इश्यू आ रहा है। तो हमारा जो मेन मोटिव था सखर फिजियोथेरापी एसोसिएशन का, तो वो यही था कि फिजियोथेरापी फील्ड की अवेयरनेस इन सखर। यहाँ पे पहले जब हम 2016 की बात कर लेते हैं, 2017 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भी इंस्टीट्यूट नहीं था यहाँ पे सखर में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े टाइम के अंदर यहाँ पे सखर में 3 इंस्टीट्यूट आ चुके हैं सखर में फिजियोथेरापी के। तो उसी हवाले से हमने देखा कि यहाँ 3 इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, तो अब इसमें यहाँ पे फिजियोथेरापी फील्ड के लिए एसोसिएशन की नीड है, यहाँ पे वेबिनार की जरूरत है, सेमिनार्स की, वर्कशॉप्स की, इस तरह के फिजियोथेरापी लेवल के यहाँ पे वेबिनार्स वगैरह नहीं होते थे पहले। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हमने इस तरह के एसोसिएशन यहाँ पे सखर के लिए बनाए, यहाँ पे नॉट ओनली इन फॉर सखर, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है। तो हमारा मेन मोटो यही था कि अपनी फील्ड को सखर में, सिंध में और प्रोमोट करें। तो उसके लिए हमें थैंक यू करता हूँ मैडम, हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर निदा, वाइस प्रेसिडेंट सीएमटी की, उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। और उसके बाद कुछ यहाँ पे हमारे पास कुछ गेस्ट भी आएंगे और डॉक्टर्स हैं, वो भी आएंगे टाइम बाय टाइम, उनको भी वेलकम करेंगे हम। तो अभी चलते हैं मैडम निदा के पास। वो मैडम निदा, आप भी थोड़ा थोड़ा बता दें एसपीए के बारे में। या जरूर, बिल्कुल। एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस और मेरा एकेडमी के पास ज़्यादातर टाइम लाहौर में और पंजाब की रियाज में गुजरा। मैंने मुल्तान, सरगोधा, भावलपुर, इन जगहों पे भी किए हैं वेबिनार्स। तो जैसे कि मुझे ये लग रहा था कि लाहौर में या पंजाब में हमारी फील्ड बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, फिजियोथेरेपी को चलाने वाली स्टूडेंट्स की बहुत सारी एसोसिएशन हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो जूनियर लेवल पर जो काम हो रहा है बहुत बेस्ट हो रहा है फॉर फिजियोथेरेपी। लेकिन सिंध में बहुत कम ऐसी एसोसिएशन हैं जो कि कामयाब हैं,
जो काम कर रही हैं फॉर द वेल्थ ऑफ फिजियोथेरेपी फॉर द यंगर फिजियोथेरेपिस्ट, उनमें जब मैंने ये देखा कि एसपीए भी आ गई है सक्कर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, तो मुझे लिटरली मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे यंग टैलेंट्स जो हैं वो अगर सक्कर अब जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है बहुत बड़ा एक पार्ट है सिंध का, वहाँ पे 2 से 3 इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो 2 से 3 इंस्टीट्यूट मिलकर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म से काम करेंगे तो सिंध के एक कोने से हमारे पास थेरेपी फील्ड बहुत फिजियोथेरेपी फील्ड बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी। तो मुझे खुशी हुई, इससे यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी नए स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं रियली थैंकफुल और मुझे खुशी होती है जब एसपीए को मैं काम करते हुए देखती हूँ। ये तो इनका फर्स्ट वेबिनार है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर ला कर दूँ और ख़ुद भी इनको टाइम दूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करें फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स। श्योर, डॉक्टर आमना हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं मिस कर रही हूँ, डॉक्टर अमानत हमारे साथ हैं एसपी की टीम से, तो मैं कोशिश करूँगी इसकी एसपी की टीम हमें जल्दी और ज़्यादा ज्वाइन कर सके। सो बेटा हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे वेबिनार का टॉपिक है गेट एंड एबनॉर्मल गेट्स, तो बशीर साहब क्या मैं वेबिनार स्टार्ट करूँ? यस मैम स्टार्ट कर लें। या श्योर, और हम डियर स्टूडेंट्स डियर पार्टिसिपेंट्स डियर व्यूअर्स आपके जो भी सवाल हैं जिस तरह के भी जैसे भी आप वो जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो कमेंट्स आपके सवाल आपके नाम के साथ हमारे जो होस्ट हैं जो हमारे मतलब डॉक्टर अब्दुल बशीर साहब हमारे साथ बैठे हैं वो उसको रीड करेंगे, एसपीए के दूसरे मेंबर्स भी आकर वो सवाल मुझसे पूछेंगे और मैं रिपीट करूँगी, तो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, नो इशू, ठीक है। सो अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। बशीर साहब अगर कोई गेस्ट बीच में आता है एसपी का कोई मेंबर आता है अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो बिला तकल्लुफ आप मुझे रोकिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्क्रीन शो हो गई है अब्दुल बशीर साहब, यस मैम हो गई अभी शो हो रही है, हम स्टार्ट करते हैं। गेट, नॉर्मल गेट एंड एबनॉर्मल गेट, बेटा गेट नॉर्मल वाइज जब तक आपको नहीं पता होगा कि एक गेट को असेस करने के लिए एनालाइज करने के लिए नॉर्मली हमें इसके कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स किस तरह काम करते हैं, तब तक आप उस पेशेंट का उस बंदे का जिसके गेट को एनालाइज करने का आपको कहा गया है आप एनालाइज नहीं कर सकेंगे कि इसका एबनॉर्मल गेट है या नॉर्मल गेट है, अदर देन नॉर्मल इज एबनॉर्मल ना, तो जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता होगा आप एबनॉर्मल की तरफ नहीं जाएंगे। तो शुरू में हम कुछ स्टार्ट करते हैं, इसके नॉर्मल साइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, बेटा गेट है क्या? लोकोमोशन, मूवमेंट, पोजीशन का चेंज करना, डायरेक्शंस का चेंज करना, डिस्टेंस कवर करना, ये सब लोकोमोशन के लिए। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसलेटरी प्रोग्रेशन ऑफ द बॉडी एज अ होल प्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटर रोटेटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट्स दिस ऑल। मेरी स्क्रीन कुछ फ्लक्चुएट कर रही है, क्या आपके पास स्क्रीन क्लियर है? गेट इज डिफाइंड एज अ ट्रांसलेटरी प्रोग्रेशन, ट्रांसलेटरी प्रोग्रेशन, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, मूव करना।
अपनी प्लेस चेंज करना, लोकोमोट के मतलब मोशन, ठीक है, ये कहलाता है हमारा गेट। नॉर्मल गेट है क्या? इट्स अ रिदमिक एंड करेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग प्रोपल्सिव एंड रेट्रोपल्सिव मोशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी की प्रोपल्सिव फॉरवर्ड मूवमेंट और रेट्रोपल्सिव मूवमेंट यानी बैकवर्ड मूवमेंट आपका गेट कहलाता है। आपका चलना वॉकिंग पैटर्न इज गेट, ठीक है। गेट को इनिशिएट अगर हम करें, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स अकर फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ बॉडी मूवमेंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ गेट साइकिल। गेट को इनिशिएट करने के लिए हमें एक इवेंट्स की सीरीज देखनी पड़ती है, जैसे कि गेट स्टेंस है, स्टेंस फेज है, स्विंग फेज है, वो फर्दर डिवाइड है, हील स्ट्राइक है, फ्लैट फुट है, दीज ऑल हम इसको पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट। एक काम हो रहा है बेटा, एक काम को अगर आप स्लो मोशन वीडियो में जाकर देखोगे, उस काम को आप ये देखोगे कि स्लो मोशन वो काम करने के लिए कितने सारे इवेंट्स हुए हैं। तो बेटा एक कदम उठाने के लिए, एक कदम उठाने के लिए आपके एक्सटेंसर मसल्स, आपके फ्लेक्सर्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, आपके हिप, आपके नी, आपके फुट, आपकी एंकल, इन सब के ऊपर एक इवेंट्स की सीरीज होती है। इस पूरी सीरीज में आपका गेट, इस सीरीज को कंप्लीट करना एक साइकिल कहलाता है, एक स्टेप कहलाता है, यानी कि आपका गेट, आपका वॉकिंग पैटर्न, ठीक है। इट इज स्टीरियोटाइप एक्टिविटी इन बोथ यंग एंड ओल्ड हेल्दी पीपल्स। टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज अबाउट 0.60 सेकेंड। दैट्स मीन हमारा गेट साइकिल 0.60 सेकेंड में एक स्टेप कवर करता है, ठीक है। गेट साइकिल आपका एक फुट, एक कदम लेने के बाद सेम वही दूसरा कदम आगे बढ़ाता जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप यानी एडिशन ऑफ मल्टीपल स्टेप आपका गेट पैटर्न डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बनता है। काइनेमेटिक्स ऑफ गेट, गेट करने के लिए क्या क्या मूवमेंट्स और मूवमेंट फोर्स, इनकी पोजीशंस, ये सब हम देखेंगे। फेसेस ऑफ गेट क्या है बेटा? स्टेंस फेज आपकी होती है, एक होती है आपकी स्विंग फेज। स्टेंस फेज जो पांव आपका जमीन के ऊपर है चलते हुए, लोडिंग फेज में है, वो आपकी स्टेंस फेज है। और चलते हुए जो पांव उठाकर आप आगे रखने लगे हो, तो वो जो पांव आप उठा के आगे रख रहे हो, तो ये जो पांव आपका हवा में है, ये आपका स्विंग फेज है। एग्री? जो पांव आपका जमीन पे है, दिस वन इज इन स्टेंस फेज, और जो आपका उठकर आगे की तरफ जा रहा है, स्विंग फेज, जो हवा में है वो आपका स्विंग फेज है, स्विंग कर रहा है लाइक अ पेंडुलम। स्टेंस फेज इट बिगिंस एट द इंस्टेंट दैट वन एक्सट्रीमिटी कॉन्टैक्ट्स द ग्राउंड एंड कंटिन्यूस ओनली एज लॉन्ग एज सेम प्रोपोर्शन ऑफ द फुट इज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। स्टेंस फेज आपकी तब कहलाती है बेटा, आपका एक पाँव क्या करे, आपकी हील स्ट्राइक की इसमें जमीन के साथ, फ्लैट फुट, लोड स्टेंस, हील ऑफ, टो ऑफ, ये पूरा का पूरा आपका टाइम पीरियड स्टेंस फेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये मेरा फ्लोर है, दिस वन इज मेरे माय फ्लोर, इस फ्लोर के ऊपर मुझे वॉक करनी है, वॉक करने के लिए मैंने अपना पाँव रखा, दिस इज माई हील स्ट्राइक, फ्लैट फुट, लोडिंग फेज, हील ऑफ, टो ऑफ। एग्री? यहां से लगकर दोबारा उठना, ये पूरा आपका स्टेंस फेज है। अबाउट 60% नॉर्मल गेट ड्यूरेशन में स्टेंस फेज होता है। व्हाट इज स्विंग फेज? बेटा अब ये मेरी फिर से सरफेस आ गई, मैंने टो ऑफ कर लिया था, स्टेंस फेज एंड कर दी थी, टो ऑफ के बाद एक्सेलरेशन, मिड डिस्टेंस, डी एक्सेलरेशन, ये जो आपकी है ना, यहाँ से एक्सेलरेशन, मिड डिस्टेंस, डी एक्सेलरेशन, ये आपका स्विंग फेज है। यानी हवा में जो चीज है वो आपकी स्विंग है, लहरा रही है, वो आपका स्विंग फेज है, ठीक है। और ये नॉर्मल साइकिल में 40% होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग जरा माइंड लगाएं, इस पे सोचें, इस बात को आप जरा देखें, स्टेंस फेज कितनी होगी और स्विंग फेज कितनी होगी। बेटा 60% हमारी स्टेंस फेज होगी और 40% स्विंग फेज होगी। बट पर्सन यंग है, तेज तेज चलता है या रनिंग कर रहा है, अब बेटा उसकी स्टेंस फेज और स्विंग फेज में की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। किस तरह? अगर वो भाग रहा है,
ज्यादा भाग रहा है वो स्विंग में ज्यादा है, स्टेंस में कम है। बेटा अभी अपोजिट हो जाएगा, अब उसकी स्टेंस फेज 40% हो जाएगी और स्विंग फेज उसकी 60% हो जाएगी, क्योंकि भागता हुआ बंदा जमीन पे ज्यादा होता है, हवा में कम, जमीन पे कम होता है, हवा में ज्यादा होता है, क्योंकि उसे फास्टली चलना है। समझ आई ये बात आपको? सब डिवीजन ऑफ फेजेस अगर हम करें तो बेटा स्ट्रेंथ फेज मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं आपको थ्योरी नहीं ज्यादा प्रैक्टिकल अपने ऊपर ही करके दिखाऊंगी, सो मेरी डांसिंग मूवमेंट चलती रहेंगी। दिस वन इज माय फ्लोर, स्ट्रेंथ फेज स्टार्ट होने लगी है। फर्स्ट वन इज हील स्ट्राइक, पीपीटी पढ़ी आप, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टेंस, मिड स्टेंस जब मेरी टांग सीधी हो गई है, मिड स्टेंस, हील ऑफ, टो ऑफ, स्टेंस फेज खत्म। टो ऑफ के बाद एक्सेलरेशन, ऊपर बढ़ना, एक्सेलरेशन, मिड में पहुंचना, मिड स्विंग, वापस आना, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन के एंड पॉइंट हील स्ट्राइक का स्टार्ट पॉइंट है। स्विंग खत्म होते ही स्टेंस फेज, स्टेंस फेज खत्म होते ही स्टेंस फेज। यस बेटा, मैम स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है आपका थोड़ा सा, स्क्रीन इशू कर रही है। यस मैम, बेटा वीडियो स्क्रीन, स्क्रीन शेयर या वीडियो स्क्रीन, आई मीन कैमरा या लैपटॉप की स्क्रीन, स्क्रीन मैम पीपीटी। ओके आई थिंक बेटा ये जो फ्लक्चुएट हो रही है। यस मैम, आई एम गोइंग टू शेयर अगेन माय स्क्रीन। फ्लक्चुएशन रुक गई, नाउ दैट्स ओके। बेटा पार्टिसिपेंट्स जिनको टाइम का इशू है, जिनको अभी तक टाइम नहीं पता था कि ये वेबिनार आगे हुआ या नहीं, तो काइंडली ग्रुप में दोबारा से अपडेट करें आप लोग, एसपी के मेंबर्स काइंडली ग्रुप में दोबारा अपडेट करें, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं टाइम और लिंक को लेकर। ठीक है, यस मैम। ट्रेडिशनल फेजेस ऑफ गेट, स्टेंस फेज इज अ हील स्ट्राइक। बेटा अब छोड़ दें आप ये जो थ्योरी लिखी है, थ्योरी को कर दें सबसाइड। नाउ यू ऑल आर फोकस ऑन द पिक्चर्स, पिक्चर देखें बेटा, इसकी राइट हील स्ट्राइक हो रही है। बेटा फ्लक्चुएशन, आई थिंक मेरा लैपटॉप मसला कर रहा है, सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज पे करें। बेटा किस टेंस फेज में, सबसे पहला है हील स्ट्राइक, हील स्ट्राइक की पिक्चर पोस्ट करें। मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स नहीं बदलूंगी, ठीक है, तो अब ये शो हो जाएगा हील स्ट्राइक। बेटा राइट साइड वाली, इस बंदे को देखो ये चल रहा है ना, चलते हुए राइट साइड इसने हील स्ट्राइक किया, इट्स जस्ट अ वन स्टेज। स्टेंस फेज का पहला फेज है हील स्ट्राइक, इस वक्त ये हील स्ट्राइक हुआ है। उसके बाद है फुट फ्लैट, फुट फ्लैट देखें बेटा, इसने हील स्ट्राइक करने के बाद अपना पांव राइट साइड वाला सरफेस के ऊपर सीधा कर लिया, यानी फुट फ्लैट हो गया। हील स्ट्राइक देन फुट फ्लैट, इसका फुट सीधा हो गया है सरफेस के ऊपर, फुट फ्लैट। थ्योरी बेटा आपको पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से थ्योरी कर लीजिएगा। देन मिड स्टेंस,
मिड स्टेंस बेटा तब होगा, मिड स्टेंस तब होगा जब हमारी बॉडी का पूरा लोड हमारे इस फ्लैट फुट पे पड़ेगा, यानी यहाँ से हील स्ट्राइक, फ्लैट फुट और ये लोड बेटा मेरी रिस्ट के ऊपर, ये मेरा एंकल है, इसको एंकल कंसीडर करें, मेरे एंकल के ऊपर मेरी बॉडी का पूरा लोड पड़ गया, यानी मैं 90 पे पैरेलल हो गई हूँ अपनी फुट के ऊपर, फुट के ऊपर मैंने प्रेशर देके मैं सीधी हो गई हूँ। अब ये जो मैंने पूरा लोड अपने फुट पे एग्जैक्ट कर दिया, ये मेरा लोड मिड स्टेंस फेस कहलाएगा, यानी जब मेरा एक पाँव मेरी बॉडी का पूरा लोड खुद पे बेयर करेगा तो वो मिड स्टेंस फेस कहलाएगी। फ्लैट फुट में आप देखें पीछे वाला जो पाँव है वो थोड़ा सा ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, दैट्स मीन अभी उस पर लोड नहीं है, किस पे, फुट फ्लैट पे, राइट साइड वाले पे, स्ट्रेंथ फेस वाले पे अभी लोड नहीं है। इस पे लोड आएगा बेटा मिड स्ट्रेंथ में जब हमारी पूरी बॉडी अपना दूसरा पाँव उठा कर पूरी की पूरी बॉडी हमारी एक ही पाँव के ऊपर फोर्स आउट हो गई है, तो ये हमारा मिड स्ट्रेंथ है। मिड स्ट्रेंथ के बाद हमारा स्ट्रेंथ फेस का फोर्थ नंबर का फेज आता है हील ऑफ। हील ऑफ में बेटा राइट साइड वाला उसने स्विंग करके लेफ्ट पाँव आगे ले गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लेफ्ट पाँव को छोड़ दें, राइट वाला देखें, पीछे वाला पाँव, पीछे वाले पाँव का हील ऑफ हो गया, दिस वन इज हील ऑफ फेस, फोर्थ वन। फिफ्थ में क्या होगा बेटा, टो ऑफ। स्ट्रेंथ फेज का लास्ट फेज होगा टो ऑफ, जिसमें हमारा राइट साइड वाला यानी पीछे वाला फुट हमारा देखें टो ऑफ कर रहा है, यानी पूरा ग्राउंड से उठ रहा है, तो ग्राउंड पे लगना, उस पे लोड लेना और फिर ग्राउंड से उठना पूरा स्ट्रेंथ फेस कहलाता है। ठीक, सब डिविजन ऑफ स्ट्रेंथ फेस इस पिक्चर में आपको ठीक से समझ आएंगी। सबसे पहले आप बेटा देखो हील स्ट्राइक, हील कॉन्टैक्ट कर रहा है, हील स्ट्राइक कर रही है पहली पिक्चर में राइट साइड पे, फिर राइट साइड वाला फुट फ्लैट हो रहा है, फिर आपकी मिड स्ट्रेंथ फेस आ रही है जब आपका पीछे वाला फुट देखें, पीछे वाला फुट आपका यानी लेफ्ट वाला जो आपका फुट है वो ग्राउंड से उठा हुआ है, पूरा का पूरा लोड आपका राइट फुट के ऊपर है, यानी मिड स्टेंस फेज। अब आपका राइट फुट पीछे हो गया, लेफ्ट फुट यहाँ से उठा और इसने एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए स्टेप आगे बढ़ाया, तो लेफ्ट फुट आगे आ गया, राइट वाला पीछे रह गया और राइट वाले ने अभी यहाँ से हील ऑफ करनी है, फिर आगे लास्ट स्टेज में राइट वाले ने टो ऑफ करना है, तो राइट फुट के ऊपर पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखिए हमारा स्ट्रेंथ फेस का, हील कॉन्टैक्ट में आई, फुट फ्लैट, मिड स्ट्रेंथ फेस, हील स्ट्राइक एंड टो ऑफ। ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारी स्विंग फेस। रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली लैपटॉप की वजह से स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही, अब स्क्रीन फ्लक्चुएट नहीं करेगी। स्विंग फेज, स्विंग फेज इज एक्सेलरेशन फेज, एक्सेलरेशन फेज बेटा। अब यहाँ पे राइट साइड का फुट देखें, राइट साइड का फुट ने अपना जैसे ही टो ऑफ किया था स्ट्रेंथ फेज में, यानी स्ट्रेंथ फेज के लास्ट में उसने टो ऑफ किया था, टो ऑफ करते ही वो एक्सेलरेट यानी पाँव ऊपर जा रहा है, पाँव एक्सेलरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इट्स एक्सेलरेशन फेज ऑफ स्विंग फेज। एक्सेलरेशन फेज जब हमारा फेज टू ऑटो ऑफ करने के बाद आगे बढ़ेगा, कदम का आगे बढ़ना एक्सेलरेट कहलाएगा। मिड स्विंग फेज बेटा जब हमारे दोनों पाँव दोनों लेग्स बराबर हो गए, अब देखिए पीछे से लेफ्ट लेग तो जमीन पे थे ही, राइट लेग जो मिड स्विंग में आई है वो अब लेफ्ट लेग के बराबर आ गई। ऐसे समझें, कभी आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल ध्यान से पढ़ा होगा, एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन, प्लेट्यू फेज एंड रीपोलराइजेशन। स्विंग फेज को एक्शन पोटेंशियल के साथ जरा मर्ज करके देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक्सेलरेशन यानी डीपोलराइजेशन इज एक्सेलरेशन, प्लेट्यू फेज इज मिड स्विंग फेज and repolarization is deacceleration phase। graph समझ आया आपको कुछ? यूं उठता है, आगे बढ़ता है, नीचे जाता है। उठने वाली phase is acceleration, बराबर चलने वाली is mid swing, नीचे आने वाली आपकी
कौन सी स्टेज? डी एक्सिलरेशन, डी मीन्स डक, डक डी एक्सिलरेशन फेज, ठीक है, स्विंग फेज हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो क्लियर, डी एक्सिलरेशन फेज जो कि वो नीचे आ रहा है, जैसे ही वो नीचे आएगा बेटा वो अपनी हील स्ट्राइक करेगा सबसे पहले, और हील स्ट्राइक करना मतलब स्टेंस फेज का स्टार्ट हो जाना, तो स्विंग फेज स्टेंस फेज, स्विंग फेज स्टेंस फेज, ये चलता रहेगा और आपका गेट साइकिल बनता रहेगा। स्विंग फेज की जरा पिक्चर्स देखें, एक्सेलरेशन ऊपर जाना, बराबर रहना मिड स्विंग, नीचे की तरफ बढ़ना डी एक्सेलरेशन, ऊपर उठना एक्सेलरेशन, बराबर होना मिड स्विंग, नीचे जाना डी एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। अब्दुल बशीर साहब अगर कोई भी सवाल है तो आप बीच में पार्टिसिपेंट का नाम देखकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइड में आपको कमेंट्स में शो हो रहा होगा। यस मैम। नाउ जी, सब कंपोनेंट्स ऑफ स्टेंस फेज, अगेन वही पिक्चर, हील स्ट्राइक रेड वाली, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, रेड के ऊपर पूरा बॉडी का लोड यानी मिड स्टेंस, वो अब फोर्थ नंबर पे हील ऑफ, हील ऑफ के बाद टो ऑफ, स्टेंस फेस एंड हो गई, आपकी स्टेंस फेस खत्म हो गई, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टेंस, हील ऑफ, टो ऑफ, बेटा खुद के ऊपर करके देखें, आपको बहुत अच्छे से गेट याद हो जाएगा। अभी सारे पार्टिसिपेंट्स अपने पाँव के ऊपर करके देखें, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टेंस, हील ऑफ एंड फुट ऑफ यानी टो ऑफ, गुड ना, तो ऐसे करने से आपको स्टेंस फेस, चलिए बेटा थोड़ा कंपनसेट करिए। यस मैम। अब बेटर, उसके बाद है बेटा स्विंग फेज, स्विंग फेज में ये रेड मार्क की हुई हमारी राइट लेग, आगे चल के हम जब भी एबनॉर्मल गेट जितने भी पढ़ेंगे ना उसमें हम राइट वाली को ही खराब करेंगे, इसलिए बेटा राइट वाले पे जरा फोकस करके रखें, है ना, हमने नॉर्मल गेट भी राइट पे पढ़ा है ना, राइट वाली आर्म पे। जी बेटा। मैम शाज़ेब अहमद का क्वेश्चन है, स्टैंड फेज और स्विंग फेज में डिफरेंस क्या है? ठीक है बेटा, स्टैंड फेज और स्विंग फेज में क्या डिफरेंस है, आप जब चलते हो तो जो पांव आपका जमीन के ऊपर है वो स्टैंड फेज में है, और जो पांव जमीन के ऊपर है वो स्विंग फेज में, आपने अगला कदम लिया स्विंग फेज वाला आपका स्टेंस में चला गया और स्टेंस वाला आपका स्विंग में आ गया। बेटा एक सर्किल है, सर्किल के दो एंड्स हैं, ये दो एंड्स हैं सर्किल के, ठीक है, मैं इसको अब रोटेट करने लगी हूँ, ये वाला मेरा स्टेंस फेज में है, ये वाला स्विंग फेज में है, जैसे मैं रोटेट करके आगे जाऊंगी स्विंग वाला स्टेंस में चला जाएगा, स्टेंस वाला स्विंग में चला जाएगा। बेटा जो एक्सट्रीमिटी आपकी ड्यूरिंग गेट साइकिल लोड होगी वो स्टेंस फेज में होगी, और जो वाली लेग आपकी साइकिल के अंदर अनलोड होगी, हवा में होगी, फ्री होगी, वो स्विंग फेज में होगी। बेटा चलते हुए कभी ऐसा हुआ है कि दोनों पाँव हमने जमीन पे रखे हो तो हम चल रहे हो, ऐसा नहीं होता, या दोनों पाँव हमने हवा में रखे हो और हम चल रहे हो, ऐसा नहीं होता, एक पाँव जमीन पे एक हवा में, एक पाँव जमीन में हवा में, इसी तरह चलता रहता है। तो जो लेग आपकी जमीन पे होती है स्टेंस होती है, लोड होती है वो आपकी स्टेंस होती है, और जो वाली टांग आपकी उठी हुई होती है चलते हुए वो आपकी स्विंग होती है। ठीक है बेटा, हमारी ऑडियंस अंडर ग्रेड्स हैं तो इस वजह से मैं बिल्कुल ही बेसिक इसको लेकर चल रही हूँ, चलते हुए आप यूं चल रहे हो, जो टांग आपकी जमीन पे है स्टेंस फेज में है, जो हवा में है स्विंग फेज में, फिर स्विंग वाली स्टेंस में और स्टेंस वाली स्विंग में आ जाएगी, और इस तरह चलता जाएगा और हमारी वॉकिंग हो जाएगी यानी हमारा गेट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल।
मैम एन अदर वन पूछे मैम, उरुजुनिसा का सवाल है कि सेकंड सेकंड फेज के अंदर ग्रेविटी वर्क करेगी या नहीं? सेकंड फेज बेटा, यस मैम सेकंड फेज स्विंग की, आई थिंक स्विंग फेज ना, जो सेकंड फेज है हमारी, उसमें ग्रेविटी एक्ट करेगी या नहीं? लुक, ग्रेविटी कहाँ एक्ट नहीं करती बेटा, सिर्फ स्पेस पे नहीं करती, ठीक है? हाँ, सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई हम इस सेंस में करते हैं कि क्या उस वक्त ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी? बिल्कुल ऐसा है, ग्रेविटी हमारी दोनों फेजेस में एक्ट करेगी। स्टैंड फेज में हमारी ग्रेविटी हमारे लोड के साथ होगी, और स्विंग फेज में हमारी, हमें अपनी ग्रेविटी को एलिमिनेट करना है, हमें अपनी ग्रेविटी को फेल करना है, रोकना है। तो बेटा अपनी ग्रेविटी को रोकने के लिए, स्विंग फेज में जाने के लिए हम अपना मस्कुलर पावर यूज करेंगे, यानी स्टैंड फेज में हमें अपनी ग्रेविटी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम ग्रेविटी से दूर जाना चाहेंगे, यानी स्विंग फेज में जाना चाहेंगे, तो उस वक्त ऐसा होगा कि हमें अपनी मस्कुलर पावर, मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा लगानी पड़ेगी। मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा लगाने के हिसाब से ये होगा कि हमारी जो लेग है वो उस वक्त ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होगी, तो उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटी भी लग रही है, हमारे मसल्स की ज्यादा फोर्स भी लग रही है। तो अरुजनिसा, आपका सवाल क्लियर हुआ? स्टैंड फेज एंड स्विंग फेज दोनों फेजेस में ग्रेविटी लगती है, लेकिन स्टैंड फेज में ग्रेविटी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जमीन के ऊपर हैं। स्विंग फेज में ग्रेविटी को एलिमिनेट करने के लिए हमारे मसल्स का पावर यूज होगा, हमें ज्यादा मसल का पावर लगाना पड़ेगा, ठीक है जी? और सवाल ही आगे चलें। मैम हेरा कमल का सवाल है जी, फुट ड्रॉप पेशेंट में कौन सा फेज खराब हो जाता है? फुट ड्रॉप पेशेंट में कौन सा फेज खराब हो जाता है? फुट ड्रॉप पेशेंट में बेटा आपका स्विंग फेज चलता रहता है, स्टैंड फेज इफेक्ट होता है, आपकी दोनों फेजेस इफेक्ट होते हैं फुट ड्रॉप में। कैसे बेटा? ये आपका फुट है ना, फुट करने के लिए आपको डॉर्सी फ्लेक्जन की तरफ जाना होगा। डॉर्सी फ्लेक्जन आप करते हो तो आप हील स्ट्राइक करते हो और स्टैंड फेज शुरू होता है। लेकिन अगर आपका फुट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप का मतलब है आपके कॉमन पेरियोनियल नर्व डैमेज है, कॉमन पेरियोनियल नर्व डैमेज होने की वजह से आपके डॉर्सी फ्लेक्जर्स काम नहीं करे, आप अपने फुट को उठा नहीं पा रहे, तो आप हील स्ट्राइक ठीक से नहीं करोगे। जब आप हील स्ट्राइक ठीक से नहीं करोगे तो बेटा आप स्विंग फेज में अपने पाँव को ड्रैग करके लाओगे और स्टैंड फेज में उसके ऊपर कम लोड दोगे, फिर स्विंग फेज में आप उसको ड्रैग करके लाओगे, तो दोनों फेजेस पे इफेक्ट आएगा फुट ड्रॉप में, ठीक है? फुट ड्रॉप में दोनों फेजेस पे इफेक्ट आएगा। हम आगे चलते हैं बेटा, ये जो डिजीज है ना अब्दुल बसीर साहब, एसपी की टीम मेंबर्स, हम ये जो डिजीज करेंगे जब हम इसके बाद एबनॉर्मल गेट्स करेंगे 11 गेट्स, उसमें एक गेट फुट ड्रॉप भी है, उसमें फिर हम आपको और क्लियर करेंगे, ठीक है इस बात को? अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि टाइम का भी नहीं देखना है साथ साथ, तो सवाल आप नोट करते जाएं बसीर साहब, मैं आपका जरूर इसका आंसर करूंगी। वेरिएबल्स ऑफ गेट, देयर आर टू बेसिक वेरिएबल्स, ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम अपने माइंड में रखें तो हम एक क्वांटिटेटिवली गेट को एनालाइज कर सकते हैं। गेट को एनालाइज करने के लिए हमें, हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग वेरिएबल्स होने चाहिए, टाइम वेरिएबल्स, टेम्पोरल वेरिएबल्स, या हमारे पास डिस्टेंस वेरिएबल्स होने चाहिए। टाइम वेरिएबल्स और डिस्टेंस वेरिएबल्स, टाइम वेरिएबल्स में स्टेंस टाइम आपको पता होना चाहिए, सिंगल लिम्ब या डबल लिम्ब स्पोर्ट आपको पता होना चाहिए, स्विंग टाइम आपको पता होना चाहिए, स्टीराइड या स्टेप टाइम आपको आइडिया होना चाहिए, कैडेंस कितनी है, स्पीड कितनी है, स्टीराइड लेंथ कितनी है, स्टेप लेंथ एंड विड्थ कितनी है। बेटा इन पॉइंट्स को देखो, इन पॉइंट्स को हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इन पॉइंट्स का याद रखना, ये चीज इंडिकेट करता है कि अब आप मतलब काबिल हो कि आप अपने गेट को एनालाइज कर सको। इन वेरिएबल्स को याद रखना, सबसे पहले स्टेंस टाइम क्या होता है बेटा? वो टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम जो एक पेशेंट या एक नॉर्मल बंदा, आप नॉर्मल बंदे का तो गेट एनालाइज कर सकते हो, वो अमाउंट ऑफ टाइम जो एक नॉर्मल बंदा ले रहा है एक गेट साइकिल में, वो उसका स्टेंस टाइम कहलाता है, ठीक है? स्टेंस फेस करने के लिए जो बंदा जितना टाइम ले रहा है, जो कि हमने नॉर्मली पढ़ा था स्टेंस फेस का टाइम कितना होता है, 0.60 सेकंड,
अगर वो बंदा हेल्दी है, नॉर्मल वॉक कर रहा है, वो इस वक्त फाइट एंड फ्लाइट में नहीं है, वो रनिंग नहीं कर रहा, और वो एल्डर नहीं है, बूढ़ा नहीं है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, तो उस वक्त का स्ट्रेंथ टाइम उसका कॉन्स्टेंट होगा 0.60 सेकेंड्स पर मीटर पर सेकेंड, ना 0.60 सेकेंड्स वो ले रहा है, 0.60 सेकेंड्स वो ले रहा है स्ट्रेंथ टाइम। स्विंग टाइम 0.40 सेकेंड्स वो ले रहा है, ये हमें इसका मालूम होना चाहिए। अब जब बंदा हमारे पास चल रहा होगा तो हम नोट करेंगे इसका स्ट्रेंथ फेज में इतना टाइम दिया, नोट कर दिया। स्विंग फेज में एक पाँव उठाकर रखने में, यानी स्विंग फेज करने में इसने इतना टाइम लिया, उसने वो भी नोट कर लिया। अब ये पैरामीटर्स अगर उसके नॉर्मल पैरामीटर्स के साथ मैच नहीं करते तो उसका गेट एबनॉर्मल है। ठीक है, समझ आई आपको बात? सिंगल स्पोर्ट टाइम क्या होता है बेटा? इट इज अमाउंट ऑफ टाइम दैट इलैप्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ओनली वन एक्सट्रीमिटी इज ऑन द स्पोर्टिंग सरफेस इन द गेट साइकिल। सिंगल स्पोर्ट टाइम बेटा, सिंगल स्पोर्ट टाइम वो टाइम होता है, रनिंग में सिंगल स्पोर्ट टाइम हमारा ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारी एक एक्सट्रीमिटी जमीन पे है और एक हवा में है। ठीक है, वो टाइम उसका सिंगल स्पोर्ट टाइम कहलाएगा। हम नोट करेंगे, हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, हम बंदे को बोलेंगे यहाँ से चल के मेरे पास आओ, वो चलता हुआ आएगा तो मैं देखूंगी उसने स्ट्रेंथ में कितना टाइम लिया, नोट करूंगी, उसने स्विंग में कितना टाइम लिया, नोट करूंगी। स्टेंस के बाद स्विंग में, यानी एक कार्डिक, एक पूरे कार्डिक साइकिल नहीं, गेट साइकिल में उसने कितना टाइम लिया, मैं वो नोट करूंगी। पूरी साइकिल में सिंगल स्पोर्ट एक लेग पे खड़े होने वाला कितने सेकंड्स का था, दो लेग्स पे खड़े होने वाला टाइम कितने सेकंड्स पे था, जब ये सारी चीजें मैं नोट करके उसका एक ग्राफ बना लूंगी, उस ग्राफ को मैं नॉर्मल ग्राफ के साथ जब मैच करूंगी तो मैं देखूंगी कि इसका जो गेट है वो नॉर्मल से हटके, फिर मैं फाइंड आउट करना शुरू कर दूंगी कि ये गेट इसका ऐसा क्यों है, इसके पीछे कौन से डिजीज है, कौन से मसल पैरालाइज है, कौन से मसल वीक है, कौन सा ज्वाइंट ठीक से काम नहीं कर रहा, कौन सी नर्व डैमेज है। ठीक है, डबल स्पोर्ट टाइम बेटा दोनों लिम्ब्स के ऊपर चल रहा है, अगर वो दोनों लिम्ब्स के ऊपर काम कर रहा है तो इट्स डबल स्पोर्ट टाइम, यानी ड्यूरिंग गेट साइकिल दोनों लिम्ब्स के ऊपर वो कितना टाइम खड़ा था, मैं अभी ये भी नोट करूंगी। उसके बाद बेटा डबल स्पोर्ट टाइम के बाद हमारे पास आता है स्टीराइड लेंथ। ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, आप इसका डेटा, आप इसकी पूरी क्यूरीज पढ़ सकते हैं, वो क्यूरीज बाद में आप एसपीएफ के फेसबुक पेज पे या सीएमटी के फेसबुक पेज या सीएमटी के यूट्यूब चैनल कहीं भी इस लाइव वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं और एसपीए की टीम आपको जरूर आंसर करेंगे इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, अभी भी और बाद में भी। स्टीराइड लेंथ बेटा ये वो लेंथ है जब आपका राइट वाला फुट, फिर से मैं राइट फुट पे आ गई बेटा, राइट फुट में आपका जब बीच में लेकर आऊंगी ही आऊंगी, राइट फुट उसने जमीन से उठाया, स्विंग फेस की, स्टेंस फेस की, और उसके बाद फिर से जब वो स्विंग शुरू करने लगा, उसकी स्टेंस और स्विंग दोनों को मिला के, दोनों लेंथ को क्रिएट करके मैं एक लेंथ बनाऊंगी उसकी स्टीराइड लेंथ। राइट फुट से दूसरा राइट फुट तक उसकी जितनी लेंथ होगी वो उसकी स्टीराइड लेंथ होगी। एक फुट से दूसरे फुट तक की लेंथ उसकी स्टेप लेंथ कहलाएगी, और दो स्टेप लेंथ मिलाकर एक स्टीराइड लेंथ बनती है। बेटा राइट फुट जमीन से उठा और जमीन पे गया, स्टेप लेंथ। लेफ्ट फुट जमीन से उठा और जमीन पे गया, लेफ्ट लेंथ। अब राइट फुट जमीन से उठा, उसके बाद वो लगा और लेफ्ट पे उठकर सेकंड, यानी बेटा यहां से यहां स्टेप लेंथ, फिर यहां से यहां स्टेप लेंथ, लेकिन यहां से यहां उसकी स्टीराइड लेंथ, यानी दो स्टेप लेंथ को मिला के एक स्टीराइड लेंथ बनेगी। सेम फुट का दोबारा जमीन के साथ जाके लगना, उसकी स्टेंस फेज भी होना, उसकी स्विंग फेज भी होना, और सेम फुट का जाके दोबारा जमीन के साथ लगना उसकी स्टीराइड लेंथ कहलाती है। स्टेप लेंथ बेटा आपकी, मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट साइड की स्टेंस फेज, राइट साइड यानी एक ही फुट की बात हम करें, वो उसका एक स्टेप की लेंथ स्टेप लेंथ कहलाती है, और दो स्टेप्स की लेंथ को मिला के हम स्टीराइड लेंथ कहते हैं। स्टीराइड का ड्यूरेशन बेटा वो ड्यूरेशन जो उसने पूरे एक साइकिल में, यानी एक स्ट्रेस लेंथ, दो स्टेप लेंथ में उसने जितना टाइम दिया वो उसका स्टीराइड ड्यूरेशन होगा, यानी उसका स्टीराइड टाइम होगा। एक स्टेप में उसने जितना टाइम दिया ये उसका स्टेप टाइम होगा।
कैडेंस, बेटा एक मिनट के अंदर उसने कितने स्टेप्स लिए, ये उसका कैडेंस रेट होगा। कैडेंस रेट इज अ नंबर ऑफ स्टेप्स टेकिंग बाय अ पर्सन पर यूनिट ऑफ टाइम। एक मिनट के अंदर कितने स्टेप्स लिए उसने, ये उसका कैडेंस कहलाएगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। और आपको स्पीड ऑफ गेट, गेट की स्पीड क्या है बेटा, गेट की स्पीड को हम तीन में लेते हैं। हम नॉर्मल गेट को एनालाइज करने के लिए स्लो स्पीड है, फ्री स्पीड है या फास्ट स्पीड है। बीच वाला जो फ्री स्पीड है ना बेटा, वो है बिल्कुल उसकी नॉर्मल लेंथ, उसका नॉर्मल चलने का स्टाइल इज अ फ्री लेंथ, फ्री स्पीड ऑफ गेट। नॉर्मल में जिस तरह चलती हूँ ये मेरा फ्री स्पीड है, लेकिन किसी वजह से मुझे पेन है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है, उस इशू की वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई है, तो वो मेरी जो स्पीड ऑफ गेट कहलाएगी वो कहलाएगी स्लो स्पीड ऑफ गेट। नंबर थ्री स्टेज इज अ फास्ट स्पीड ऑफ गेट। द फास्ट स्पीड ऑफ गेट है बेटा वो तब होगी जब मैं फास्ट एंड फाइट होंगी, मैं रनिंग मोड में होंगी, मेरा सिंपैथेटिक एक्टिव होगा, मेरे पीछे कोई हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि डॉग आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ा है तो आप भागोगे, जब आप भागोगे वो आपका फास्ट स्पीड ऑफ गेट होगी। ठीक है, फ्री स्पीड ऑफ गेट नॉर्मल गेट जिसमें मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे मैं चलती हूँ मैं वैसे ही चलूंगी। स्लो स्पीड ऑफ गेट ड्यू टू पेन, ड्यू टू लेजीनेस, मैं स्लो स्टेप्स लूंगी, तो स्लो स्पीड ऑफ गेट हो गई। फास्ट स्पीड ऑफ गेट बेटा वो वाली स्पीड मेरी जब मैं फास्टली मूव करूंगी ड्यू टू फाइट एंड फ्लाइट, सिंपैथेटिक एक्टिव होने की वजह से। वेरिएबल्स ऑफ गेट क्या होंगे आपको मैं बता चुकी हूँ बेटा। अब हम चलते हैं एबनॉर्मल या एटिपिकल गेट की तरफ। मैंने आपको नॉर्मल गेट बता दिया, नॉर्मल गेट अगर आपके माइंड में है तो आप एबनॉर्मल गेट आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एबनॉर्मल गेट 5 बनाऊं, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर मैंने 8 बनाए एबनॉर्मल गेट्स, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट थे एबनॉर्मल गेट्स। बेटा हर डिजीज़ को हम गेट से जज करते हैं, हर डिजीज़ की असेसमेंट के लिए उसकी गेट की असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट का बेस्ट टूल है हमारा गेट असेसमेंट। गेट असेसमेंट आपको 35% एविडेंस बेस्ड बात बता रही हूँ आपको, मैं रिसर्च की बात बता रही हूँ। गेट असेसमेंट आपको 35% आपके डायरेक्ट डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाता है, जस्ट गेट असेसमेंट। ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने जब गेट निकालती गई तो 10 प्लस गेट इस वक्त मुझे अब नॉर्मल मिले हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने, जो कि इस चीज़ की वजह से आपका वेबिनार जो है ना वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। सो बेटा सबसे पहले गेट की क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं गेट के अबनॉर्मल होने की। बेटा ड्यू टू पेन, मुझे पेन है ना मैं ठीक से नहीं चलूंगी। माय इंटेलिजिक गेट माय गेट ड्यू टू पेन। रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन, ज्वाइंट मसल रेंज ऑफ मोशन। बेटा मेरी कॉन्ट्रेक्चर्स हैं ज्वाइंट्स के अंदर, अगर मेरे ज्वाइंट्स के अंदर कॉन्ट्रेक्चर्स हैं तो भी मैं ठीक से वॉक नहीं करूंगी। मस्कुलर वीकनेस पैरालिसिस, मस्कुलर वीकनेस है, पैरालिसिस है, ग्लूटियस मैक्सिमस या ग्लूटियस मीडियस मेरे वीक हैं, तो मेरा गेट जनरेट होगा टेंडन लिम्बक साइन, टेंडन लिम्बक गेट, डकलिंग गेट, वेडलिंग गेट, हम पढ़ेंगे इन सबको आगे। ये सब तब डेवलप होगा जब हमारा मस्कुलर वीकनेस या पैरालिसिस होंगी। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, बेटा न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट यानी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स, जी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स हो या कोई लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स हो, कोई इस तरह की लेजन्स बेटा जिसके बाद जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है फुट ड्रॉप हो गया हमारा। फुट ड्रॉप कौन सी नर्व के डैमेज से होगा, कॉमन पेरोनियल नर्व से। कॉमन पेरोनियल नर्व किसकी ब्रांच है, शाइटिक नर्व की। शाइटिक नर्व हमारी जो है उसकी रूट सप्लाईज क्या है हमारे पास, बताएं L2, 3, 4, 5, S1, S2,
ये सारी शैटिक नर्व की रूट सप्लाईज हैं। यहाँ पे कोई डैमेज हो गया, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई जिसकी वजह से शैटिक नर्व पैरालाइज हुई, शैटिक नर्व की वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व चले गई, कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से जाके क्या हुआ, हमारे टिबियलिस इंटीरियर मसल चला गया जिसकी वजह से क्या हुआ, फुट ड्रॉप हो गया, तो हमारा गेट ठीक होगा? नहीं, हमारा स्टेपिंग गेट हो जाएगा। फुट ड्रॉप गेट को हम स्टेपिंग गेट कहते हैं। बेटा काफी सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको बार बार सुनिएगा और बार बार इसको ना लिख कर याद कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि बेटा आपकी किसी ना किसी वजह से एक लेंथ लेग लेंथ में प्रॉब्लम आ गई, आपकी लेग लेंथ इक्वल नहीं है, रियल लेग लेंथ या एक्चुअल लेग लेंथ प्रॉब्लम है। लेग लेंथ की प्रॉब्लम क्यों होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा लेग लेंथ में प्रॉब्लम क्यों हुआ। बचपन में आप गिरे, आपको फीमर का फ्रैक्चर हुआ, फीमर के फ्रैक्चर के बाद आपकी फीमर की माल यूनियन हो गई। माल यूनियन इस तरह हो गई कि फीमर हमारी इस तरह से है, बीच में हमारे फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर करने के बाद माल यूनियन ये हो गई। अब जब हमारा फीमर बचपन के बाद अब ग्रो करना शुरू हुआ है, ग्रो करते करते जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर ये जो खम आ रहा है, इस खम की वजह से उसकी एक टांग छोटी हो जाएगी और एक टांग बड़ी। ये था बोनी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। मस्कुलर भी होती है बेटा, मस्कुलर, आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, हैमस्ट्रिंग आपके इतने टाइट हैं, आपके ग्लूटियस बहुत टाइट है, ग्लूटियस और हैम्स के टाइट होने की वजह से आपका ज्वाइंट कंप्रेशन में है। जो लेंथ आपकी जो ज्वाइंट सरफेस, ज्वाइंट जो स्पेस है वो आपको लेंथ दे रही है, लेग मसल्स के खींचने की वजह से वो ज्वाइंट सरफेस कम हो गई तो आपकी लेंथ में फर्क आ गया। ज्यादा नहीं, 3.5 सेंटीमीटर डिफरेंस अगर आ जाता है ना आपकी लेंथ में तो नॉर्मल है, 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर लेंथ में डिफरेंस आता है ना तो आपका गेट अफेक्टेड हो जाएगा, तो आपकी लेग लेंथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कोई भी सवाल हो आप पूछे कमेंट्स में, और थोड़ी देर में मैं भी कमेंट्स की तरफ आने लगी हूँ दोबारा, तो मैं आपको आपके सवालों के जवाब लाइव दूंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल गेट ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। मस्कुलर पैरालिसिस अगर तो स्पास्टिक होगा बेटा तो उसमें सर्कमडेक्टरी गेट होगा, सीजरिंग गेट होगा, ड्रैगिंग या पैरालिटिक गेट होगा। अगर आपके मसल स्पास्टिक हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके मसल्स फ्लैसिड हो रहे हैं, इतने फ्लैसिड कि उनमें टोन ही नहीं है, टोन नहीं है तो क्या वो अपना काम कर पाएंगे? क्वाड्रिसेप्स में टोन नहीं, क्वाड्रिसेप्स मसल की टोन ना होने की वजह से नी की एक्सटेंशन नहीं हो रही। ड्यूरिंग गेट अगर नी की एक्सटेंशन नहीं होगी इन स्टेंस फेज, इन अ मिड स्टेंस फेज नी की एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिड स्टेंस में बेटा आप क्या कर रहे हो, मिड स्टेंस में आप पूरा का पूरा लोड दे रहे हो ना फुट के ऊपर और अपनी दूसरी टांग को उठा रहे हो। अगर आपका नी लॉक नहीं हो रहा, आपका नी बार बार खुल रहा है, नी लॉक नहीं हो रहा, तो क्या वो पूरा लोड ले पाएगा? कभी भी नहीं, वो पूरा लोड नहीं ले पाएगा। जब बेटा वो पूरा लोड ले ही नहीं पा रहा तो स्विंग फेज वाली जो आपकी टांग है वो भी हवा में, स्टेंस फेज वाली भी आपकी खुल गई है, लोड नहीं ले पा रही, तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, उसे हम कहते हैं लर्चिंग गेट या क्वाड्रिसेप गेट। हम इसको आगे चल के बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सेरिब्रल डिसफंक्शन की वजह से एटैक्सिक गेट आता है। एटैक्सिक गेट में बेटा आपकी कोरिया मूवमेंट्स होती हैं, आपका बैलेंस आउट हो जाता है, आप इधर उधर गिरते पड़ते हो। एग्री? लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन, स्टेपिंग गेट, बेटा आपका स्टेपिंग गेट हो रहा है, स्टेपिंग गेट समझ रही, हाई स्टेप गेट। आपको चलने के लिए अपनी टांग को बहुत ऊपर से उठा के रखना पड़ रहा है। बहुत ऊपर से उठा के क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी मसल्स इस वक्त जो हैं वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करके आपके लेग लेंथ को छोटा करके आगे नहीं रख रहे। दूसरा, आपको अपनी हिप हाई करनी पड़ रही है क्योंकि आपकी डोर्सिफ्लेक्शन नहीं हो रही। बहुत सारी रीजंस है ना, हम इसको आगे चल के अभी हम इस पे पढ़ते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। ड्यू टू पेन, आपको समझ आ गया, इंटेलजिक गेट या लिम्पिंग गेट ड्यू टू पेन होता है, क्योंकि पेन की वजह से जिस लेग में हमारे पेन है, हम स्ट्रेंथ फेज में क्या उसके ऊपर पूरा लोड दे सकते हैं?
बिल्कुल भी नहीं। इसकी एग्जाम्पल बेटा ऐसे है, चलते हुए आपके पाँव में कोई कांटा लग गया। अब जिस पाँव में कांटा लग गया है, क्या आगे के जो आप स्टेप लेंगे आप उतने ही नॉर्मल लेंगे जितने आप पहले ले रहे थे? नहीं। आप जब उस पर लोड देने लगोगे वो कांटा आपको चुभेगा, कांटा चुभेगा तो आप उस पर पूरा लोड नहीं दोगे। तो आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे जो आपकी अफेक्टेड लेग है आप उसके ऊपर कम लोड दो, स्विंग फेज वाली लेग के ऊपर आप ज़्यादा लोड दो। तो बेटा आपका गेट मुतासर हो गया ना, आपका गेट अफेक्टेड हो गया ड्यू टू पेन, ड्यू टू एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज, इक्विना वायरस गेट, इक्विना एक्यूरस गेट, नोक या बोनी गेट, जीनू रिकर्वेटम गेट, हम आगे पढ़ते हैं इनको, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से इक्वाइनस गेट, ये सारे के सारे गेट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले इंटेलजिक गेट, इंटेलजिक गेट की मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल दे चुकी हूँ बेटा। ये कंपनसेटरी गेट भी कहलाता है। कंपनसेटरी इसलिए कि मेरे जिस टांग में दर्द है ना, मैं दूसरी टांग से ज्यादा काम लूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे चलना भी जरूरी है और टांग में दर्द भी है तो मैं उसे कंपनसेट कर रही हूँ। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंपनसेटरी गेट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके ये हैं बेटा कि स्टेंस फेज का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा अफेक्टेड लिम्ब पे, और जो वेट शिफ्ट आप स्टेंस फेज पे कर रहे थे ज्यादा टाइम, कम टाइम के लिए वो ज्यादा करोगे, कम करोगे क्योंकि आप ज्यादा कर रहे थे स्टेंस फेज पे, स्विंग में ज्यादा थे, स्टेंस पे ज्यादा थे, तो अब आपको स्टेंस को अफेक्टेड लेग वाला स्टेंस कम करना पड़ेगा। एक स्टेंस आपका ज्यादा होगा, एक स्टेंस आपका कम होगा। अफेक्टेड लेग के ऊपर जब आपने जोर देना है तो आप कम दोगे, अनअफेक्टेड साउंड लेग बिल्कुल ठीक वाली जो आपकी टांग है उसके ऊपर जब आप स्टेंस करोगे तो ज्यादा करोगे। अब स्टेंस का ऊपर नीचे होना आपके गेट पैटर्न को चेंज कर देगा। ठीक हो गया बेटा, दिस इज एंटाल्जिक गेट। साइटिक गेट, सॉस बरसा, बेटा सॉस बरसा क्या है? सॉस मेजर, सॉस माइनर मसल्स पढ़े, इलियोसॉस पढ़ा है? यस, इलियोसॉस जरूर पढ़ा होगा। इलियोसॉस हमारा मसल है जो हमारे एब्डोमेन से आता है और कहीं ना कहीं हमारी हिप को क्रॉस कर दे, हमारी हिप पे ले जाकर लगता है, और ये क्या करवाता है, ये हमारी हिप की फ्लेक्जिंग करवाता है। एग्री? सॉस, इलियोसॉस मसल, सॉस बरसा, जो सॉस मसल्स के नीचे वो बरसा इन्फ्लेम होगी। सॉस मसल के इन्फ्लेम बरसा के ऊपर जब हमारी हिप, हम अपनी टांग को उठाएंगे, हिप में फ्लेक्जिंग करेंगे, सॉस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सॉस मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो उसके नीचे थैला पड़ा हुआ है, जो बरसा पड़ा हुआ है, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से उस बरसे के ऊपर प्रेशर आएगा और वो पेन जनरेट करेगा। एकदम से हमें अपने हिप में इंग्वाइनल रीजन में पेन महसूस होगा, तो जब हमें पेन होगा तो हमारा गेट मुतासिर होगा। तो ये गेट हम देखते ही बोलेंगे कि बंदा चलता हुआ तो आ रहा है, लेकिन जब ये अपनी हिप को उठाता है अगला पांव रखने के लिए, ये अपना हाथ अपने इंग्वाइनल रीजन पे रखता है, तो उस वक्त आप क्या सोचोगे कि क्या इसको हर्निया हो गई या इसको अपेंडिक्स हो गई है? नहीं, उसका गेट मुतासिर हो रहा है। तो आप एक स्लाइड से स्क्वाइटिक ट्रॉमेटिक बर्साइटिक टेस्ट की तरफ जाओगे, उस स्पेशल टेस्ट से आपको पता चल जाएगा इसका तो सॉस बरसा जो है वो इन्फ्लेम्ड है, और इस वजह से बेटा आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होने की वजह से आप हिप को, उसको कंपनसेट करने के लिए हिप को एक्सटर्नली रोटेट, हिप को एडेक्ट, नी को स्लाइड फ्लैक्स करके आप आगे रखोगे। ये सारी जब आप कंपनसेशन करोगे अपने गेट के अंदर तो आप थोड़ा सा बेहतर चल सकोगे, वरना आप बिल्कुल नहीं चल सकोगे। After one, there is gluteus maximus gate. Gluteus maximus का क्या काम है बेटा? Hip extension. During walk, जो ये ऊपर बंदा चलता जा रहा है, ये सारी स्लाइड में चलता हुआ ही आ रहा है, ये इस स्टेज में इस पर gluteus maximus hamstring इन दोनों को यूज कर रहा है। Gluteus maximus gate को हम rocking horse gate भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? जब ग्लूटियस मैक्सिमस हमारा एक्ट करता है फॉरवर्ड प्रोग्रेशन करने के लिए, हमारी हिप को एक्सटेंशन देता है और हम फॉरवर्ड प्रोपल्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर तो क्यूक्लिश मतलब इस स्टेज में इनिशियल कांटेक्ट करती है, हमारी हील स्ट्राइक होता है। हील स्ट्राइक करने के लिए बेटा इसने, इस पिक्चर में इस बंदे ने क्या किया हुआ है, हील स्ट्राइक की हुई है ना राइट लेग पे, फिर से राइट आ गई, देखें राइट लेग पे इसने हील स्ट्राइक की हुई है ना, तो इस वक्त इसका ग्लूटियस मैक्सिमस काम कर रहा है। ठीक है,
ग्लूटियस मैक्सिमस अगर काम नहीं करेगा तो हील स्ट्राइक इसकी लॉस हो जाएगी। तो ड्यूरिंग मतलब चलते हुए आप देखोगे कि बंदा हील स्ट्राइक और फ्लैट फुट नहीं कर रहा, बंदा रख ही फ्लैट फुट रहा है, था ऐसे करके अपना फुट रख रहा है, स्टेंस फेज में जा रहा है, हील ऑफ में जा रहा है, टो ऑफ में जा रहा है, यानी उसकी हील ऑफ एब्सेंट हो गई है ही नहीं। तो वो देखकर आप बोलोगे कि ये तो रॉकिंग हॉर्स गेट है। रॉकिंग हॉर्स गेट बेटा इसको इस सेंस में कह रहे हैं, आपने घोड़े को कभी चलते हुए देखा है, टक 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 चलता है, वो हील स्ट्राइक और इस तरह नहीं चलता, वो इस तरह नहीं चलता जिस तरह इंसान चल रहा है, वो ऐसे ऐसे पांव रखता है। तो ये भी फ्लैट फुट रखेगा, इसका हील स्ट्राइक लॉस हो गया ना। अब जब ये स्टेंस फेस को स्टार्ट करेगा तो डायरेक्ट फ्लैट फुट से करेगा, तो फ्लैट फुट में जो बंदा फ्लैट फुट में चल रहा होगा वो घोड़े की तरह चल रहा होगा, उसे हम रॉकिंग हॉर्स गेट का नाम देंगे। ठीक है, ऐसे इसकी पिक्चर चेक करें बेटा। अब इस बेचारे को फ्लैट फुट के साथ चलना है, ये हील स्ट्राइक नहीं रख सक रहा, तो फ्लैट फुट में रखने के लिए इसे अपनी इस जगह पे एक्सटेंशन बरकरार करने के लिए, यानी लेग को एक्सटेंशन दो जगह से मिलती है बेटा, एक तो लेग को एक्सटेंड करेगी उसका हिप, ये ग्लूटियस मैक्सिमस, या वो ट्रंक को पीछे करके इसको एक्सटेंशन में ले जाएगा। अब ग्लूटियस मैक्सिमस तो एब्सेंट नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा, पैरालाइज है या बीमार है, काम नहीं कर रहा पैरालिसिस में, तो वो ट्रंक को पीछे करेगा, पीछे गिर गिर कर चलेगा, यानी वो पीछे गिरेगा पांव आगे रखेगा, फिर पीछे गिरेगा पांव आगे रखेगा। अब वो जो पीछे गिर के पांव आगे रख रहा है, यानी कि वो इस वक्त घोड़ा चला रहा है, यानी रॉकिंग हॉर्स गेट। ठीक है, इसकी शक्ल इससे रिजेंबल करती है इसलिए इसको नाम दे दिया गया। वैसे हम इसको ग्लूटियस मैक्सिमस गेट कहते हैं आम पैथोलॉजिकल मतलब अपनी जुबान में, अपनी मेडिकल टर्म में। ग्लूटियस मीडियस गेट क्या होता है बेटा? ग्लूटियस मीडियस गेट इज अ वेडलिंग या डक गेट। वेडलिंग गेट आपने देखा होगा जो डक की तरह चलता है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन का जो गेट होता है वो वेडलिंग या डक गेट होता है। आप कभी प्रेग्नेंट वुमेन को चलते हुए देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप को बिल्कुल लेजी छोड़ के अपने वूम का साइज संभालते हुए लॉर्डोसिस निकाल के जब वो चलती है तो वो डक की तरह चलती है, दैट्स इट्स वेडलिंग गेट। तो बेटा ये वेडलिंग गेट उसका ग्लूटियस मीडियस की वजह से होता है। क्यों? इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो हम बनाते हैं। ग्लूटियस मीडियस क्या करता है, जब आप अपनी एक टांग को उठाते हैं, आपकी जो टांग जमीन पे होती है उसका ग्लूटियस मीडियस आपकी इस साइड वाली हिप को पकड़ के रखता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये है मेरी राइट वाली लेग, मेरी लेफ्ट वाली लेग, मैंने राइट वाली लेग को उठाया तो मेरी लेफ्ट वाली लेग ने मेरे पेल्विक को उठा लिया, तो मैं ठीक से चलूंगी। जब मैं इसको रखूंगी फिर जब मैं इसको उठाऊंगी तो ये मेरी इस वाली पेल्विक को उठा लेगा और मैं ठीक से चलूंगी, और ये मेरा गेट परफेक्ट गेट है। लेकिन अगर मेरा गेट होता है एबनॉर्मल इस तरह की, ये वाला ग्लूटियस मीडियस और ये वाला ग्लूटियस मीडियस दोनों काम कर रहे हैं और अपोजिट हिप्स को पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मेरा ये वाला ग्लूटियस मीडियस खराब है, राइट वाला ग्लूटियस मीडियस खराब है, तो बेटा मैंने जब अपनी लेफ्ट लेग को उठाया तो मेरे राइट वाले मीडियस ने मेरे इस वाली पेल्विक को नहीं पकड़ा और मेरी पेल्विक ड्रॉप हो गई। फिर जब मैंने पांव रखा मैं सीधी हो गई। अब जब मैंने अपना राइट वाला उठाया तो मैं नॉर्मल चल गई। जब मैंने अपने लेफ्ट वाले आर्म को उठाया मेरी पेल्विक फिर से ड्रॉप हो गई। जो बार बार मेरी पेल्विक गिर रही है, मेरी अफेक्टेड साइड पे वो गिर रही है ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस। इसकी आप पिक्चर देखें आपको समझ आ जाए बेटा। मेरी अफेक्टेड लेग, इसका ग्लूटियस मीडियस ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं इसके ऊपर जब खड़ी होंगी, इस वाली लेग को उठाऊंगी, तो बेटा आप देख रहे हो ये वाली पेल्विक मेरी नीचे गिर गई, मेरी नहीं इस बंदे की पिक्चर में ये वाली पेल्विक नीचे गिर गई है। जब ये पेल्विक बेटा नीचे गिर गई, इसका मतलब है यहाँ के मसल्स ने इस पेल्विक को नहीं उठाया होगा। यहाँ के मसल्स ने जब इस पेल्विक को होल्ड नहीं किया, इसी वजह से ये पेल्विक नीचे गिर गई। अगर ये मसल्स ठीक होते तो ये इस वाली पेल्विक को उठा के रखते तो ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है ये लाइन सीधी जाती। समझ आई? पेल्विक बराबर रहती,
पेल्विक नीचे ड्रॉप ना होती, तो ड्यू टू गेट ग्लूटियस मीडियस गेट क्या होगा, मेरी पेल्विक ड्रॉप करेगी ड्यूरिंग वॉकिंग, और ड्यूरिंग वॉकिंग पेल्विक का ड्रॉप होना डकलिंग गेट या वेडलिंग गेट कहलाता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स का गेट कहलाता है ये, ठीक है। फिफ्थ वन इज क्वाड्रिसेप गेट। क्वाड्रिसेप गेट बेटा कौन सा गेट है, मेरा ऐसा गेट जिसमें मेरा क्वाड्रिसेप वीक हो गया। अब्दुल बशीर साहब आप लाइन पे हैं क्या, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स को? ठीक है बशीर साहब, एक्चुअली मैं बोर हो गई थी, वो प्रेजेंटेशन ही मेरे सामने खुली हुई थी, पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गई थी, तो मैंने कहा मैं स्क्रीन शेयर बंद करूं और मैं ज़रा देखूं। इस वक्त हमारे 83 मेंबर्स लाइव हैं और हमें देख रहे हैं। बेटा जिसका जो भी सवाल है, बशीर साहब आप सवाल नोट कर रहे हैं? सादिया मीमन, बिल्कुल सादिया मीमन आपका सवाल मैंने देख लिया। बेटा इसमें ये है टंडल-लिम्बर्ग साइन या टंडल-लिम्बर्ग गेट और ग्लूटियस मीडियस गेट इज द सेम थिंग। वेडलिंग गेट, डकलिंग गेट, ग्लूटियस मीडियस गेट, टंडल-लिम्बर्ग गेट, सारे से सारे एक ही गेट का नाम, ठीक है। सवाल ये है कि मैम राइट साइड पे ही कोई प्रॉब्लम होगा वेडलिंग में, वेडलिंग दोनों साइड पे हो सकती है, बिल्कुल। बेटा मैंने जब ये आपको ये बना के दिखाया था ना, इसका मतलब था बेटा कि मेरा इस राइट साइड वाला जो मेरा ग्लूटियस मीडियस है वो अफेक्टेड है, इस वजह से जब मैं अपनी लेग को उठाती हूँ तो गिर जाता है। अगर मेरे दोनों दोनों अफेक्टेड है, दोनों ग्लूटियस मीडियस अफेक्टेड है, तो बेटा मैं अगर एक टांग को उठाऊंगी तो दूसरी गिर जाएगी, फिर मैं इस पर खड़ी होंगी, इसको उठाऊंगी तो ये गिर जाएगी, ऐसे चलेगा। मतलब चलते हुए मेरी पेल्विक इक्वल नहीं रहेगी, मेरी पेल्विक ड्रॉप करेगी, जो लिम्ब मेरी उठी हुई होगी उस साइड वाली मेरी पेल्विक नीचे आ जाएगी, जो लिम्ब मेरी लिम्ब बराबर है मैं खड़ी हूँ, अब मैंने इस लिम्ब को उठाया मेरी पेल्विक नीचे आ गई, मैंने इस लिम्ब को उठाया मेरी ये वाली पेल्विक नीचे आ गई। सॉस बर्साइटिस को चेक करने के लिए स्पेशल टेस्ट का नाम है बेटा, जैसे हम ट्रोकेंटिक बर्साइटिस के लिए टेस्ट करते हैं, ट्रोकेंटिक बर्साइटिस के लिए जो आप टेस्ट करते हैं आप उसी सोर्स मेजर को भी, सोर्स मेजर के बरसा को चेक करने के लिए भी आप वही करते हो। उस टेस्ट में आप ऐसा करते हो कि रेजिस्टिव हिप फ्लेक्शन करवाते हो, बंदे को सुपाइन लिटाएं, सुपाइन लिटाने के बाद आप उसके नी के ऊपर हाथ रखें, नी के ऊपर हाथ रखने के बाद आप उसे बोलो कि अपनी जो लेग है उसको एक्टिवली यानी एक्टिवली फ्लैक्स करो, वो अपनी टांग को फ्लेक्स करे, लेकिन आपने उसकी हिप पर भी हाथ रखा हुआ है और नी के ऊपर भी हाथ रखा हुआ है। अब जब आपने उसकी नी पे हाथ रखा है तो बेटा नी उसकी क्या हो रही है ऊपर, वो फोर्सफुली जब अपनी हिप को फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, सोर्स मेजर को एक्टिव करेगा, सोर्स मेजर की कॉन्ट्रेक्शन से उसके नीचे वाला बरसा पेन जनरेट करेगा। तो रेजिस्टेड हिप फ्लेक्शन में आपको स्वाइटिक बर्साइटिस वाला पेन काउंट होगा, ठीक है बेटा। तो बशीर साहब आप कहाँ गए हैं, पैरालिसिस में हम फिर ग्लूटियस मैक्सिमस वाला गेट देखते हैं, पैरालिसिस में हेमिप्लेजिक गेट देखते हो आप, पैरालिसिस में बहुत सारी चीजें देखते हो बेटा, इट्स डिपेंड कि पैरालिसिस किस तरह का है, उस पैरालिसिस में आपका ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज हुआ भी है या नहीं, अगर डैमेज हुआ है तो आपको ये गेट मिलेगा। थैंक यू नूर, थैंक यू सो मच। और अब जो बाकी के मेरे गेट रह गए मैं उसकी तरफ चली जाऊं। एसपीए साहब आप कहाँ गए हैं, डॉक्टर बशीर साहब डियर स्टूडेंट्स अब हम एक गेस्ट को बुलाने वाले हैं, ठीक है।
तो काइंडली हम थोड़ा सा उस गेस्ट से बात कर लें, उसके बाद हम अपनी फर्दर जो हमारे रहते हैं गेट, हम उन गेट्स की तरफ चलते हैं। दिलीप कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू अवर सेशंस, हमारे वेबिनार में आपका बहुत बहुत वेलकम है। सर काइंडली आप अपना, अगर आप मुझे बता दें आप वीडियो ऑन करेंगे या नहीं, मैं आपको स्ट्रीम में लाइव कर दूं। थैंक यू महक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दिलीप कुमार हमारे साथ प्रेजेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर दिलीप कनेक्शन इशू है थोड़ा सा। सर दिलीप मैं आपको स्क्रीन में ऐड कर रही हूँ। नाउ यू आर लाइव। सर एसपीए के टीम मेंबर्स आपको कमेंट्स के जरिए वेलकम कहना शुरू हो गए हैं। सुबह सर, सर वॉइस इशू है। सर नेट इशू है शायद सर के पास थोड़ा सा। आप बशीर साहब आप सर के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, आप देखें सर के साथ क्या इशू आ रहा है रिकनेक्ट करने में। ओके ओके सर यू आर ऑन स्क्रीन नाउ। आवाज क्लियर है? यस वॉइस इज क्लियर।
वेलकम सर. चलें. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एसपीए एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू एक्सक्यूज ड्यू टू द टाइमिंग इशू आई कुडंट कम ऑन टाइम एक्चुअली. इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? यस सर, क्लियर है. आप चलें जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द ऑर्गेनाइजर बसीर एंड Amna and all the team of SPA Sakhar Physio Association, and this is very make the feel me very proud and happy that the young physiotherapists are very active in order to spread up the awareness regarding the physiotherapy field. So this is a very good step that the new association or the young physiotherapists are coming in front to serve the field and to enlighten and highlight the future, and the promise and to grow. In order, that's very a good initiative by the Sakhar student. And secondly, I would like to appreciate the efforts of Dr. Nida. She is no doubt very talented, and what we call among the young physiotherapists, she is one of the most talented and good manual therapists as far as I know her. And this webinar is going very well. No doubt, all the participants who are going to attend. They must will get some sort of the knowledge after the completion of this webinar. So I appreciate you once again, and thank you so much. This was all about from my side, and keep watching these types of the associations and must attend these types of the webinars, and they work for you free of cost. They don't charge. In fact, they give you very much time. So thank you so much. बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि एसपीए ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये इन्होंने मतलब मुझे लगता है सर सीएमटी के बाद कुछ ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में वेबिनार्स करवा रहे हैं, उसमें एसपीए ने जो स्टार्ट लिया है फ्री वेबिनार से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द यूथ, तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है. सीएमटी में काफ़ी सारे फ्री वेबिनार्स भी हैं सर, यू नो, जो लोग हमें जानते हैं. जी बिल्कुल, बस सीएमटी को तो माशाल्लाह से सीएमटी रिसेंटली तो सीएमटी ने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन भी सीएमटी को मिल गई है, और जिसके प्लेटफॉर्म से ही आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यंग जो है फिजियोज आगे आ रहे हैं. तो अगेन बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर वेबिनार्स, एंड आप डॉक्टर निंदा आप कंटिन्यू करें अपना सेशन, और मुझे इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. ठीक है, सादिया मेमन के एक सवाल का जवाब है, वो देने के बाद हम दोबारा बैक टू द प्रेजेंटेशन अपने रिमेनिंग गेट्स की तरफ जाएंगे. सो सादिया मेमन पूछना चाह रही हैं कि सारे ही एबनॉर्मल गेट्स इंटेलिजेंट गेट नहीं हो सकते, क्योंकि हर एबनॉर्मल गेट में पेन से बचने के लिए डिफरेंट पोजिशन अडॉप्ट की जाती हैं. तो सादिया आपने नो डाउट बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन बेटा मेरी बात सुनिए, पैरालाइज्ड मसल्स में पेन नहीं होता, पैरालाइज्ड मसल्स में पेन जनरेट नहीं होता तब तक, क्योंकि पैरालिसिस में उसका मोटर कंट्रोल सेंसरी कंट्रोल दोनों जाएंगे. तो पैरालाइज जो गेट होता है बेटा, उसमें भी तो उसमें पेन नहीं होता ना, फिर भी उसका गेट एबनॉर्मल होता है. तो बेटा जो मैंने आपको पांच कैटेगरीज बताई थी ना, उसमें एक है पेन, दूसरी है मसल वीकनेस से भी गेट एबनॉर्मल हो सकता है, पेन से एबनॉर्मल होता है, मसल वीकनेस से, न्यूरोलॉजिकल साइन से, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी से, और भी एक चीज थी पांच मैंने अभी तो आपको बताए थे, तो या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही हैं बेटा तो जो है वो नहीं होगा. आप समझ रही हैं, मतलब सिर्फ पेन ही नहीं, बहुत सारे दूसरे भी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी जो है वो गेट एबनॉर्मल हो जाती है. ठीक है, अब मैं दोबारा से जा रही हूँ इस तरफ, और स्टूडेंट्स अब ऐसा है कि अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँगी तो मेरे साथ इस वक्त लाइन में कौन है, अमानत साहब. तो अमानत आपका माइक ऑन हो सकता है, क्योंकि सवाल कोई रिकॉर्ड पे लिखे और बाद में मुझे वो बताए ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर की तरफ जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. उसके लिए बेटा ऐसा है कि आप सवाल नोट करें एसपीए के टीम मेंबर्स, और फिर बाद में आप मुझसे सारे सवाल रिपीट कीजिएगा, मैं आंसर करूंगी.
बेटा इसके बाद गॉडरी साहब गेट था, गॉडरी साहब गेट के बाद हम जीनू रिकवर्टम गेट की तरफ आ जाएंगे. हैमस्ट्रिंग्स आर वीक, टू थिंग्स आर हैपन ना. जीनू रिकवर्टम का मतलब है हाथ हाइपर एक्सटेंशन हो जाना, हाइपर एक्सटेंशन नी में, ठीक है. तो ड्यूरिंग द स्ट्रेंथ फेज द नी विल गो इन टू एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशन रेफर टू एज अ जीनू रिकवर्टम गेट. यानी बेटा आपका जो नी है वो एक्सेसिव एक्सटेंशन में गया है. एक्सेसिव एक्सटेंशन में जाने के बाद जो है वो आपकी स्ट्रेंथ फेज के टाइम पे आपका गेट एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है. ड्यूरिंग द डी एक्सेलरेशन टर्मिनल स्विंग पार्ट ऑफ द सेम वे विदाउट द हैमस्ट्रिंग्स टू स्लो डाउन द स्विंग फॉरवर्ड टू लोअर लेग द नी विल स्नैप इन टू एक्सटेंशन. बेटा अब डी एक्सेलरेशन में यानी टर्मिनल स्विंग में जब आपका फुट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यानी स्ट्रेंथ फेज को शुरू करने वाला है उसकी तरफ वो जब जाएगा हैमस्ट्रिंग, तो उससे पहले आपका नी हाइपर एक्सटेंशन में जा चुका होगा. नी के हाइपर एक्सटेंशन होने की वजह से भी आप हील स्ट्राइक नहीं करोगे, सीधा फुट फ्लैट की तरफ जाओगे, ठीक है. तो टर्मिनल स्विंग में भी आपको एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, मिड स्ट्रेंथ में भी आपको एबनॉर्मेलिटी मिलेगी. सो इट्स ड्यू टू जीनू रिकवर्टम गेट यानी नी की हाइपर एक्सटेंशन की वजह से. और नी की हाइपर एक्सटेंशन क्यों होगी, हैमस्ट्रिंग की शॉर्टनिंग भी हो सकती है और क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्सिबिलिटी या हाइपोटोनिसिटी भी हो सकती है क्वाड्रिसेप्स. एग्री. नाउ द हेमिप्लेजिक गेट. हेमिप्लेजिक गेट बेटा एक पैरालाइज्ड गेट है. इस गेट से तो हर कोई वाकिफ है. इस गेट में आपका मोटर कंट्रोल लोअर लिम का खो चुके होते हैं, जिसकी वजह से जब आप गेट करते हो तो चलते हुए आपको मेंटेन करने के लिए हिप एक्सटेंशन में जाएगी, एडक्शन में जाएगी और मीडियल रोटेशन में जाएगी. जस्ट लुक एट हर लेग. आप देखो कि इस बंदी की जो लेग है वो इस वक्त एक्सटेंशन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन में है. नी इस वक्त एक्सटेंशन में है, इसकी जो एंकल है वो फुट ड्रॉप शो करेगी एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन शो करेगी. हेमिप्लेजिक गेट कुछ इस तरह का गेट होता है. इसमें आपको अपना फुट क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, हिप और नी के साथ हिप और नी को फ्लैक्स करना यानी खुद को आगे घसीटना होगा. यानी अगर ये आपका गेट है बेटा तो वो आप अपने शोल्डर, नेक, ट्रंक यहाँ पूरे के पूरे से स्टार्ट करोगे, खुद को ड्रैग करोगे और आगे लेकर आओगे. एट वन के सर्कमडेक्टरी गेट. सर्कमडेक्टरी गेट में आप ऐसा करते हो कि आपके मसल्स इतने ज्यादा हिप के स्पास्टिक हैं, टाइट हैं, इतने टाइट हैं कि वो नी की फ्लेक्शन या हिप की फ्लेक्शन या नी की फ्लेक्शन अलाउ ही नहीं कर रहे. यानी कि आपका फुट ग्राउंड से क्लियर नहीं हो रहा. तो बेटा जब आपका फुट ग्राउंड से क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपना पांव रगड़ना पड़ेगा. फुट ग्राउंड से क्लियर नहीं हुआ, उससे रगड़ने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन है तो बेटा आपको उसको कंपनसेट करने के लिए उस टाइम के पेशेंट्स वो क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए उस वक्त पेशेंट क्या काम करता है, पेशेंट अपनी हिप को उठाता है, उठा के अपने उस पांव को घुमाकर आगे लाता है. सीधा सीधा आगे लाना मुश्किल है. यानी ये मेरी सरफेस है, ये मेरा फुट है, फुट को सीधा सीधा आगे ड्रैग करना मुश्किल है. तो वो क्या करता है, एबडक्शन करता है. एबडक्शन मीडियल रोटेशन करके यानी स्मॉल सर्किल बना के आगे अपने पांव को करता है. जब वो स्मॉल सर्किल बनाकर आगे चलता है तो वो उसका सर्कमडेक्टरी गेट कहलाता है. इसकी कंपनसेशन में पेशेंट क्या करता है, अपने जो फुट उसका जमीन के साथ लगा हुआ है और उठ नहीं रहा, उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए आगे जाने के लिए एबडक्ट एंड मीडियल रोटेट करके आगे लेकर आता है. एबडक्ट एंड मीडियल रोटेट. एबडक्ट एंड मीडियल रोटेट में स्मॉल सर्किल बनता है और स्मॉल सर्किल के बाद आप आगे कंटिन्यू हो जाते हो. तो वो आपका सर्कमडिक्ट्री गेट है. यानी आप यूं गोल गोल घुमा घुमा के खुद को आगे लेकर चलते हो, ठीक है बेटा. नाउ द नाइन्थ वन इज सीजरिंग गेट. बेटा इस ये गेट आपका सीजरिंग गेट इसलिए क्योंकि इस गेट में आपकी नी आपस में नॉक नी में गए हुए होते हैं. आपके नी आपस में इस तरह मिले हुए होते हैं कि वो एक सीजर की शेप, सीजर यूं होता है ना, इस शेप में होता है ना सीजर. तो आपके नी भी इसी शेप में आ जाते हैं. ये आपके हिप हैं, आपके लेग्स हैं, ये आपका नी है. आपके नी को ऐसे होना चाहिए, आपका नी यूं हो जाता है. तो जो आपका नी आपस में मिलता है सीजर बनाता है, इतना स्पास्टिक हो जाता है. यानी मसल्स इस वक्त आपके एडक्शन में चले गए.
आप इस पिक्चर की तरफ देखिए, आपके दोनों मसल्स एडक्शन में चले गए, आपके नी लॉक हो गए, तो इट लुक्स लाइक अ सीजर। अब जब ये सीजर बना है, अब इसको चलने में प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ने में, ठीक है। अब जब ये चलेगा तो बेटा ये इस तरह कर सीजर टाइप यानी ब्लेड ब्लेड स्टेप लेगा, ठीक है। और ये सर्वर पॉलिसी में होता है। कैल्कीनियल गेट, कैल्कीनियल गेट बहुत अच्छा गेट है। ये रिजल्ट है इसके, मतलब ये किसका रिजल्ट है, पैरालाइज प्लांटर फ्लेक्सर्स का, कॉज करेंगे डॉर्सी फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर। बेटा प्लांटर फ्लेक्सर्स आपके क्या है, ये है मेरी लेग, नी लेग एंकल फुट, फुट में ऊपर जाने वाले हैं मेरे डॉर्सी फ्लेक्सर, नीचे जाने वाले हैं मेरे प्लांटर फ्लेक्सर्स। प्लांटर फ्लेक्सर्स का पैरालाइज होने की वजह से मेरे डॉर्सी फ्लेक्सर्स ने मुझे खींचा, और खींच के मेरी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन उसने बनाई है, वो उसने बनाई है डॉर्सी फ्लेक्सन के साथ, यानी मेरा पांव ऐसे होने के बजाय ऐसे है। अब जब मैं चलूंगी बेटा तो मैं किसके ऊपर चलूंगी, हील के ऊपर, ऑब्वियसली ना, मेरा फुट ऐसे होने के बजाय ऐसे हो गया है, क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्सर के कॉन्ट्रेक्चर्स बन गए, मसल कॉन्ट्रेक्चर्स। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, मसल कॉन्ट्रेक्चर्स की वजह से डॉर्सी फ्लेक्सन्स में मेरा फुट सीधा होने के बजाय डॉर्सी फ्लेक्स हो गया। अब जब मैं सरफेस पे चलूंगी तो मैं हील पे चलूंगी, क्लियर। कैल्कीनियल गेट में आपको हील पे चलना होता है क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्सर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 11th वन इज फुट ड्रॉप या स्लैपिंग गेट। दिस इज ड्यू टू डॉर्सी फ्लेक्सर वीकनेस कॉज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। आपका सवाल है अरुजन निशा ने, आई थिंक ये सवाल किया था फुट ड्रॉप का, तो बेटा फुट ड्रॉप का सवाल का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। डॉर्सी फ्लेक्सर्स वीक हो जाएंगे, जब डॉर्सी फ्लेक्सर्स वीक हो जाएंगे आपका फुट यहाँ गिर जाएगा। अब जैसे ही आपका फुट ग्राउंड से क्लियर होगा, ग्राउंड से फुट क्लियर होते ही वो गिरा, मतलब प्लांटर फ्लेक्सन में जाएगा, प्लांटर फ्लेक्सन में जाने से वो ग्राउंड से ठीक से क्लियर नहीं होगा, क्लियर ना होने की वजह से वो बेटा किस तरह आगे बढ़ेगा, ऐसे पाँव को रगड़ के आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। जब वो पाँव को आगे रगड़ कर बढ़ेगा यानी वो स्लैप करेगा, ड्रैग करेगा, तो बेटा फुट ड्रॉप के गेट को आप ड्रैगिंग गेट या स्लैपिंग गेट बोलते हो, जिसमें आपका पाँव पूरा ग्राउंड से क्लियर नहीं होता और ड्रैग करते हुए जाते हो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास हाई स्टेपिंग गेट। हाई स्टेपिंग गेट ड्यू टू प्लांटर फ्लेक्सन ऑफ द एंकल, देयर विल बी रिलेटिवली लेंथनिंग ऑफ द लीडिंग एक्सट्रीमिटी। हाई स्टेपिंग गेट में क्या होगा बेटा, आपकी जो एंकल है उसकी प्लांटर फ्लेक्सन हो जाएगी, सेम उसी तरह बेटा जैसे फुट ड्रॉप में हो रहा था, फुट ड्रॉप में भी आपकी जो है प्लांटर फ्लेक्सन हो रही थी, प्लांटर फ्लेक्सन के बाद आप ड्रैग करते हुए जा रहे थे फुट को। लेकिन अगर आप फुट को ड्रैग ना करना चाहो तो बेटा आप क्या करोगे, फुट को ड्रैग नहीं करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, फुट को उठाने के लिए हाई स्टेप लोगे। तो बेटा उस वक्त जब आप फुट को उठाने के लिए हाई स्टेप लोगे, उस वक्त आपका जो गेट बनेगा वो हाई स्टेपिंग गेट बनेगा। सो फुट ड्रॉप की वजह से फुट ड्रॉप, ड्रैगिंग गेट, स्लैपिंग गेट, और स्लैपिंग गेट को स्लैप से बचाने के लिए जब आप अपनी हिप को ऊपर उठाकर नी को ज्यादा फ्लैक्स करके पाँव को आगे रखोगे, वो आपका हाई स्टेपिंग गेट कहलाएगा। हाई स्टेपिंग गेट बेटा आर्मी वालों का गेट होता है। बेटा ये था हमारा वेबिनार, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन हमारी एंड हो चुकी है। अब जिन बच्चों के जो भी सवाल हैं, हम चलते हैं सवालों की तरफ। बसीर साहब आ गए, थैंक यू सो मच। एबनॉर्मल हीट स्ट्राइक इज अ स्लैपिंग गेट, यस निमराज सुहेल, ठीक है। तो कोई सवाल है बच्चों का तो अभी वो पूछ सकते हैं। बसीर साहब को मैं ऐड कर रही हूँ स्क्रीन में। एंड सर कोई सवाल हो स्टूडेंट्स का जो मुझसे मिस हो गया हो। यस मैम, स्टूडेंट्स का ऐसा ही है, सोल्जर मार्च जो वो करते हैं।
मैम प्रीति प्रीति का सवाल है, कोई डिफरेंस बिटवीन सीजर गेट एंड सेरेब्रल गेट? सीजर गेट को हम सेरिबेरल पाल्सी गेट कहते हैं, बिल्कुल। मैम डिफरेंस पूछ रही हूँ। सेरिबेरल पाल्सी की बहुत सारी टाइप्स हैं, डिफरेंस पूछ रही है। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंस पूछ रही है वो सीजर गेट में और किस में? सेरिबेरल गेट, सेरिबेरल पाल्सी गेट में, बिल्कुल। बेटा सेरिब्रल पाल्सी की पांच टाइप्स है ना, सेरिब्रल पाल्सी की पांच टाइप हैं, यानी सेरिब्रल पाल्सी को हम पांच कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करते हैं, स्पास्टिक, फ्लैसिड और रिजिड और उसकी कॉरियल, मतलब इस तरह की बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी। तो उसमें बेटा एक उसकी टाइप है स्पास्टिक पैरालाइज, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का जो गेट है वो सीजरिंग गेट है, ठीक है। इसके अलावा मैम नेक्स्ट शफी मोमन का क्वेश्चन है, कौन से मसल्स की वीकनेस की वजह से हील स्पाइक लॉस हो जाती है? हील स्पाइक लॉस हो जाती है कौन से मसल की वीकनेस की वजह से? आप लोग मुझे खुद इसका आंसर करेंगे। बेटा ये मेरी सरफेस है और ये मेरी हील स्ट्राइक हो रही है। हील स्ट्राइक मुझे करने के लिए क्या करना पड़ा है? मुझे अपने फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करना पड़ा है। डॉर्सिफ्लेक्स करने के लिए ही मुझे हील स्ट्राइक करनी होगी ना। तो बेटा डॉर्सी फ्लेक्सर्स मेरे वीक हो जाएंगे या पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी जो मेरा जो पाँव है वो डॉर्सी फ्लेक्सर में नहीं जाएगा और मैं हील स्ट्राइक नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये। इसके अलावा सवाल बेटा। मैम कंदील फातिमा का क्वेश्चन है, हाई स्टेपिंग गेट में टॉस टच करेंगे या हील स्ट्राइक? हाई स्टेपिंग गेट में, बिल्कुल। हाई स्टेपिंग बेटा गेट क्यों हो रहा है? देखो हमारा हम टो के ऊपर वॉक कर रहे हैं ना, स्लैपिंग गेट यानी फुट ड्रॉप गेट, टो के ऊपर वॉक करें। अब टो को स्लैपिंग से बचाने के लिए हम हाई स्टेपिंग करेंगे, हाई स्टेपिंग में भी टो ही स्ट्राइक करेंगे। अगर हील स्ट्राइक करने जैसी होती तो फुट ड्रॉप ही ना होता, हमें हाई स्टेपिंग गेट की जरूरत ही ना पड़ती। तो बेटा हाई स्टेपिंग में भी आपके ऊपर से स्टेप लेने के बाद भी आपके टो ही स्ट्राइक करेंगे। मैम संध्या का सवाल है, हेमिप्लेजिक गेट कॉमन इन स्ट्रोक पेशेंट्स? जी हेमिप्लेजिक, यस स्ट्रोक पेशेंट में हेमिप्लेजिक गेट, बेटा सिर्फ स्ट्रोक की वजह से ही हेमिप्लेजिया नहीं होता। हेमिप्लेजिया इज अनदर कंडीशन, स्ट्रोक की डिफरेंट टाइप्स हैं। हेमिप्लेजिया इज अ सिम्टम, क्वाड्रिप्लेजिया इज अ सिम्टम, पैराप्लेजिया इज अ सिम्टम। हम उसे स्ट्रोक के साथ हमेशा मिसनेम्ड करते हैं। स्ट्रोक की दो ही टाइप हैं, स्कीमिक और हेमरेजिक, ठीक है। स्ट्रोक हेमिप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक, डायप्लेजिक, पैराप्लेजिक नहीं होता, इट्स अ सिम्टम। किसी भी डिजीज के सिम्टम में अगर हेमिप्लेजिक सिम्टम्स आ रही हैं तो उसका गेट हेमिप्लेजिया गेट होगा। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रोक में हो, दूसरों में भी हो सकता है। मैम सनिया खान का क्वेश्चन है, हाउ एजिलिटी इफेक्ट द गेट? हाउ एज, हाउ एज अफेक्ट द गेट, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि बेटा देखें अगर एज में आप ओल्डर हो ना, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, आपके पास इतनी मसल की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आपके पास बैलेंस इश्यू होगा। बैलेंस इश्यू होने की वजह से आप फास्ट गेट नहीं कर सकते, ठीक है। लो एनर्जेटिक हो, बैलेंस प्रॉब्लम है, साथ में आपकी डिजीज है, कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर राइजिंग, चक्कर आ जाना, हाइपोटेंशन हो जाना ओल्डर एज में, इन सारी सिचुएशंस के साथ बेटा जब आप हाई स्पीड के साथ चलोगे तो आपका गिरना और फ्रैक्चर करना ज्यादा कॉमन हो जाएगा। इस वजह से यंगर जो बंदा होगा ना वो एनर्जेटिक होगा, यानी वो हाई एनर्जी के साथ काम कर रहा है, एनर्जेटिक है वो। सेकंड, उसमें बैलेंस का कोई इशू नहीं है, उसके साथ हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन वाली कोई डिजीज ही नहीं है, इस वजह से वो तेज चलता है। उसका गेट साइकिल, अब आपको समझ आया एज किस तरह गेट साइकिल को इफेक्ट करती है, यंगर एज ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ओल्डर एज वीक,
गेट कम होगा, स्लो होगा, स्पीड कम होगी. मैम ग्लूट आकाश अंबर का क्वेश्चन है, ग्लूटिस मीडियस इज वीक इन प्रेग्नेंट लेडीज ड्यू टू वेट गेन. बेटा प्रेग्नेंट वुमेन का गेट वेडलिंग होता है, ये मैंने आपसे कहा, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन का ग्लूटियस मीडियस भी वीक हो जाता है. ग्लूटियस मीडियस वीक होने से वेडलिंग गेट, डकलिंग गेट, ये सारे गेट्स होते हैं. लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को जब आप चलते हुए देखो ना, तो बेटा प्रेग्नेंट वुमेन अपनी पेल्विक को स्टेबल नहीं करती. जब पेल्विक अपनी पेल्विक को प्रेग्नेंट वुमेन स्टेबल नहीं करती, इस वजह से वो डक की तरह चलती है. ग्लूटियस मीडियस वीक नहीं होता. मैम व्हाट इज नॉन मायोटोमल पैटर्न ऑफ गेट? नॉन मायोटोमल पैटर्न ऑफ गेट एक बहुत ही एडवांस सवाल है बेटा, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ. मायोटोमल पैटर्न, नॉन मायोटोमल क्या है बेटा? आपके मसल्स की कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग गेट, मसल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग गेट. अगर मसल कोऑर्डिनेशन नॉन मायो पैटर्न, नॉन मायोटोमल अगर आपका कोई पैटर्न जनरेट हो रहा है, मसल की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, तो आपका गेट अफेक्ट करेगा. ठीक है, नॉन मायोटोमल पैटर्न ऑफ गेट यानी आपके जो इवेंट्स हो रहे हैं ना आपके गेट के अंदर, वो इवेंट्स आपके रेगुलर नहीं होंगे, आगे पीछे वो इवेंट्स आपके होंगे. ठीक है वजीर साहब, ऊपर लगता है बहुत सारे सवाल मिस कर गए. यस मैम, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, काफी क्वेश्चंस आ गए. अच्छा चलें बेटा, और मैं ये भी स्टार्ट करती हूँ. एचएस कंजा का सवाल है, मैम इट हैज सीन शोन दैट सम पीपल यूज्ड टू वॉक लाइक दैट फ्रॉम बर्थ. कुछ लोगों का सर्कमडेक्टरी गेट बाय बर्थ होता है बेटा, ऐसा क्यों है? नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट फैक्ट कि बाय बर्थ उसका गेट जो है वो सर्कमडेक्टरी होगा. लेकिन अगर कोई चलता है और उसने अपना गेट पैटर्न वैसा ही सेट कर लिया है, तो वो उसके लिए डेंजरस नहीं होगा. जैसे बेटा जो मोटे लोग होते हैं ना, फैटी लोग, उनका गेट पैटर्न नॉर्मल से कदरी हट कर होता है, क्योंकि उनकी बेस ऑफ सपोर्ट लार्जर होती है, उन्हें ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट चाहिए, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा इंटीरियर लाई कर रहा होता है. वो अपने आप को कंपनसेट करते हैं, कंपनसेट करते हैं अपने गेट के हिसाब से, तो वो भी डकलिंग की तरह चलते हैं, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए. तो बेटा वो जो उसकी सारी सिचुएशन है, जो गेट उसने अपनी बॉडी के हिसाब से अज्यूम कर लिया अपने अंदर, दैट्स ओके. मतलब वो उसके लिए डेंजरस नहीं होगा, वो उसके लिए उसका नॉर्मल गेट ही होगा. वॉकिंग स्टैंड जो यूज करते हैं वो ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस गेट होता है. वॉकिंग स्टैंड जो यूज करते हैं बेटा, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका गेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपके साथ बैलेंस इशू है, तो डॉक्टर आपको जो है ना वॉकर दे देगा और बोलेगा कि आप वॉकर के साथ वॉक करो, नंबर वन. सेकेंड, पैरालिसिस के बाद अब वो रिकवर करना शुरू हुआ है, उसके मसल्स वीक है, इसलिए वो वॉकर पे आ रहे हैं. बैलेंस प्रॉब्लम, वॉकर इसलिए भी देते हैं, सेकेंड उसके मसल्स वीक है, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी हम उसको वॉकर देते हैं. ठीक है, इसके अलावा बसीर साहब कोई भी सवाल? मैम एल्डर पीपल जब चलते हैं तो अपनी ट्रंक को दोनों साइड पे लेटरली फ्लेक्स करते हैं, इस गेट के लिए क्या रीजन है? बेटा लेटरली फ्लेक्स अपने आप को दोनों साइड पे करना, अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करना है बेसिकली. ठीक है, एल्डर पीपल, पेशेंट नहीं, पेशेंट जो लेटरली फ्लेक्स करेंगे ना, वो अपनी हिप को या अपनी पेल्विक को रोकने की कोशिश करेंगे इस वजह से. अच्छा, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को रिपीट कर दें, अंजलि का सवाल है. बेटा लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? आपकी एक लेग दूसरी लेग से शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है. उसके शॉर्ट होने की वजह से ये होता है कि चलते हुए आपका गेट अफेक्टेड हो जाता है, आप चलते हुए अपनी पेल्विक टिल्ट नहीं संभाल पाते, आपका पेल्विक लेटरली टिल्ट होता है, जिस तरफ शॉर्ट होगा उस तरफ पेल्विक ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, लेग लेंथ होती क्यों है शॉर्ट? एक दो रीजन से, एक बोनी, बोनी यानी आपका कभी फ्रैक्चर हुआ था, माल यूनियन हुई थी, या आपके डायफेजियल प्लेट वक्त से पहले ही
वो एक टांग की जो वक्त से पहले डायफेजियल प्लेट आपकी क्या हो गई, ऑस्टियोफाइट जिससे भर गई, वो फिक्स्ड हो गई, जिसकी वजह से आपकी वो लेग छोटी रह गई और वो दूसरी वाली लेग आपकी बड़ी हो गई। तो ये था बोनी। मस्कुलर, एक साइड के आपके मसल इतने ज्यादा स्टिफ हैं कि उन्होंने आपकी टांग को खींच कर उसके बीच में जो ज्वाइंट सरफेस होती है उसको भी मिला दिया है, जिसकी वजह से वो लेग आपकी दूसरी लेग से छोटी हो गई है। अगर आपका लेग डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो क्वाइट ओके, आपके गेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 3.5 से ऊपर होगा तो आपके उस पर फर्क पड़ेगा। क्वाड्रिसेप मसल की वीकनेस की वजह से कौन सा गेट जनरेट होता है? क्वाड्रिसेप मसल की वीकनेस की वजह से आपका जो गेट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप गेट। और उस गेट में क्या होता है बेटा, आपने कभी इन बंदों को चलते हुए देखा है जो चलते हुए अपनी एक टांग के घुटने के ऊपर हाथ रखते हैं और यूं यूं करके चलते हैं? जब चलते हैं तो अपने घुटने पे हाथ रखते हैं, घुटने को पीछे धक्का देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो बेटा ये जो गेट करते हैं ना अक्सर, ये क्वाड्रिसेप वीकनेस गेट है। इसमें वो क्वाड्रिसेप का काम क्या है, नी को एक्सटेंड करना। अब क्वाड्रिसेप वीक है, नी एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो स्टेंस फेज में नी लॉक नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो हम क्या करें, तो वो बंदा क्या करेगा, अपनी नी के ऊपर खुद से हाथ रखेगा, मैनुअली पैसिवली अपनी नी को लॉक करेगा और आगे चलेगा। तो बेटा जो नी पर हाथ रख रख कर चल रहे होते हैं ना, वो क्वाड्रिसेप गेट है। ठीक है बेटा, अब बशीर साहब आपसे एक बात कहनी थी। अभी हमारे साथ एक गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी, डॉक्टर सायरा फ्रॉम लाहौर। ठीक है, उनको वो अभी हमें ज्वाइन करेंगी तो मैं उनके साथ शेयर करूंगी स्क्रीन। इसके अलावा अब हम कुछ सवाल हैं तो हम पढ़ लेते हैं। आमना सोहेल वाइस प्रेसिडेंट है हमारे एसपीए की। कंदील, यस लोअर मैम के साथ ट्रंक भी देखेंगे। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी का ट्रंक आप किसी को आंसर करिए। चलिए दैट्स गुड, एसपीए की टीम भी आपको आंसर करिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने, मुझे लगा था मैंने बहुत सारे सवाल मिस कर दिए। मैडम साहिरा हमें ज्वाइन करने वाली हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम सेशन को एंड करते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लम्सी गेट पैटर्न? तो बुशरा शहजाद मैडम, क्लम्सी गेट पैटर्न इज अनदर नेम ऑफ, क्योंकि मैं ये गेट पढ़ा चुकी हूँ। आप सर्च करते हैं कि क्लम्सी गेट पैटर्न अनदर नेम ऑफ विच गेट, तो गेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको आंसर मिलेगा। इन विच गेट वी कैन सी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन एंड ऑल्सो डिफाइन दिस टर्म। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हम कैंसर ट्यूमर्स, ब्रेन बिनाइन ट्यूमर्स को कहते हैं। ऐसी लीजन्स, ऐसी डिजीजेज बेटा जो कि स्पेस को रोक रही हैं, अपने मतलब एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो हमारे नॉर्मल टिश्यूज के अंदर हैं। ठीक है, अगर तो कोई ब्रेन का बिनाइन ट्यूमर है तो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल गेट डेवलप होंगे। ठीक है बेटा, यस लेट मी आस्क फ्रॉम मैडम सायरा। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेट का आपको सर डॉक्टर अब्दुल बसीर, आप प्लीज इनको गाइड कर दें, सर्टिफिकेट कैसे इनको मिलेंगे? यस मैम, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सबको मिल जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग, जो भी रजिस्टर्ड है, जो जिसने भी सिर्फ वेबिनार अटेंड किया है उसकी हमारे पास लिस्ट मौजूद है, स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद है, सिर्फ उनको ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट्स, मैडम सायरा आ चुकी हैं, मैं उनको ऐड करती हूँ ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम मैडम,
मैडम वेलकम फ्रॉम एसपीए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, इट्स अब्दुल बसीर अब्बासी, प्रेसिडेंट ऑफ एसपीए सखर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। ओके अब्दुल बसीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है, क्लियर है। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम डॉक्टर सायरा, सीईओ ऑफ मल्टी टैलेंटेड मेडिकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा फॉर इनवाइटिंग मी। योर सेशन वाज ऑसम, मैंने स्टार्ट से लेकर अब तक सुना है और पर्सनली मेरे खुद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, आपने पढ़ा होता है लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन आप जब किसी दूसरे का सुनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद क्लियर होती हैं, तो माशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन वाज ग्रेट। और इसके अलावा जो है मैं सखर फिजियो एसोसिएशन अब्दुल बसीर को भी जो है वो कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि वो जितने भी यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो है डिफरेंट गेस्ट स्पीकर से एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे आके अपना नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करते हैं। और पर्सनली मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो एक्टिवली क्वेश्चन कर रहे होते हैं और नॉलेज ले रहे होते हैं, दैट्स अमेजिंग। यस मैम थैंक यू सो मच अप्रिशिएटिंग। सक्कर, हां बिल्कुल, सक्कर के तीन इंस्टीट्यूट्स हैं मैम और तीन इंस्टीट्यूट्स में 40 प्लस बैच है, मतलब 43 के पास बैचेस होती हैं और इतने कम उस पे भी पैरामीटर्स पे भी इन लोगों ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है और ये बहुत ही एक्टिव काम कर रहे हैं, दैट्स गुड। यही चीज तो हमारे आजकल के जूनियर्स में बहुत अच्छी आ चुकी है कि वो एक्टिव हो चुके हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर सेशंस सखर फिजियो एसोसिएशन एंड डॉक्टर निदा एंड डॉक्टर दिलीप कुमार, सीएमटी इज ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आई हैव अ गुड न्यूज, यू वेलकम, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को फर्दर एक चांस दिया जा रहा है कि थ्री गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर निदा एंड मी माई सेल्फ डॉक्टर सायरा, हम तीनों जो है बेसिकली एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ बैक। बेसिकली बैक की बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, आपने स्कोलियोसिस, लार्डोसिस, लिपिड डिस्क जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेडिकुलोपैथी, शटिका, तो ये बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो ये एक ओपन इन्विटेशन है आप सब लोगों के लिए कि आप सब लोग जो है वो मस्ट इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिएगा। Yes, ma'am. And once again, thank you for on the behalf of SPA. I want to thank you very much for giving us your precious time. Thank you, Dr. Thank you, Madam Saira. Thank you so much. अब अपना session continue करें. Okay, Allah Hafiz. Yes, Allah Hafiz. Thank you so much for coming. So, in last, मैं कुछ कहना चाहूँगी वो SPA. थैंक यू सो मच SPA की टीम, SPA के प्रेजिडेंट अब्दुल बसीर साहब, वाइस प्रेजिडेंट आमना निमरा और जो मेरे दूसरी स्टूडेंट हैं यहाँ पे बुशरा शहजाद को मैंने देखा और अमानत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मेरे सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने दिल खोल के वेलकम किया और उनको उनको स्पेस दी। थैंक यू सो मच टू ऑल SPA टीम मेम्बर्स और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप इसी तरह काम करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो थोड़े बहुत अगर नेगेटिव वाइब्स कहीं से आते हैं या यूनिटी नहीं हो पाती है इस तरह, तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए है ना, तो आप उससे सीखें, उससे डिस्करेज मत हो, उससे सीखें और नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छा काम करें। सो मे बहुत सारे बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए और थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ये प्रेजेंटेशन, ये मटीरियल भी आपको SPA जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, SPA की टीम आपको ये मटेरियल भी देगी, सर्टिफिकेट्स भी। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। देन मैम जी बसीर साहब, मैम आई वांट टू थैंक यू यू फ्रॉम द SPA फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस एंड वांट टू थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दे वर फ्रॉम ऑल, वी हैव मोर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कराची, लाहौर, सवात,
from different cities of Pakistan. I want to very really thankful to them. And ma'am, I want to really appreciate my team members. They have worked a lot. Amna Sohail, Vice President Amanat Ali, our Management Director Ashraf Ali, General Secretary Nimra Sohail, Communication Director Tuba Sohail, Sophia Ariba Fatma, Amir Ali, Kainat. This is all our team. And especially thanks to our CMT team. मजबूर कर दिया है हमें वेबिनार्स करने का. मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं अपने सक्सेस के लाडले बच्चों के साथ दोबारा एक दफा आई हूं. और यस मैम, उसके बाद सीएमटी का थैंक यू करना चाहूंगा. उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए. तो डॉक्टर दिलीप कुमार को वेलकम नहीं कर सका, इंटरनेट कनेक्शन का इशू था यहां पे. और आप तो हैं यहाँ पे, आपका बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया यहाँ में. और पार्टिसिपेंट्स के लिए कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे आपके, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, पर जिन्होंने अटेंड किया होगा सिर्फ उनको ही मिलेगा. वंस अगेन थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज. अब हम बंद करते हैं पॉडकास्ट. अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ. घर में रहिए, महफूज रहिए जब तक ये कोरोना वायरस नहीं खत्म होता. ऑनलाइन वेबिनार्स और अपनी नॉलेज को इनहेंस करने की कोशिश करें. और ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज आपको हाथ पकड़ के सिखाई जाए बेटा. सीखने वाले लोग बुक्स से, टीचर से और इसी तरह के ऑनलाइन वेबिनार से, इन्हीं से बहुत कुछ सीख लेते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू मैम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स.